जो आई है तेरी बल्के झूम के हवा के साथ झूम के हा गोल गोल घूम के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की खूबसूरत सुबह एक खूबसूरत घर में, एक खूबसूरत शहर में, एक खूबसूरत मुल्क में मैं आपके सामने हूँ। और मैं सबको खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद है। चाहे कोई मुल्क कितना ही खूबसूरत हो और अगर वो आज़ाद ना हो तो उसकी उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। आज का दिन 5 फरवरी यौमे यकजहती कश्मीर, ये नाम इस दिन को इसलिए दिया गया है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम उस खूबसूरत वादी के, हम उस खूबसूरत मुल्क के साथ हैं, हम उस खूबसूरत रियासत के साथ हैं जिसका 80% जो हिस्सा है वो पहाड़ों पे मुश्तमिल है और वो पहाड़ जरखेज़ हैं। अब यानी कि अगर आप पूरी दुनिया घूम कर आए हैं और आप स्विट्ज़रलैंड गए हैं, अगर आपने स्विट्ज़रलैंड देखा है या तस्वीरों में देखा है, तो मैं कहती हूँ एशिया का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर है। और इस खूबसूरत मुल्क को, जो ज़रखेज़ रियासत है, इस पर जब कब्ज़ा है और इस कब्ज़े की वजह से इस की जो हवा है इसमें बारूद की महक है, आज तक कोई सेफ नहीं है। 90% हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है लेकिन उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी नहीं है। आज़ादी, आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर शख्स के लिए बहुत मायने रखता है। और मेरा ख़्याल से आज के दिन के लिए मुझसे बहुत बेहतर बात आपसे एक ऐसा शख्स कर सकता है जो कोशिश करता है उन लोगों को जो अपने घरों में कैद होते हैं या उन पर जुल्म हो रहा होता है उनको आज़ाद कराने की। वो चाहता है कि हर शख्स अपनी छत के नीचे, अपने मुल्क में, अपने शहर में आज़ादी से सांस ले। तो उससे बेहतर क्या दुख समझता होगा कोई कश्मीर की आज़ादी का। मैं आज एक ऐसे शख्स के घर हूँ जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, ये उसकी जन्नत है। जैसे कि कश्मीर कहा जाता है जन्नत है, ये उसकी जन्नत है। ये एक ऐसा शख्स है जिसको हर माँ अपना बेटा कहती है, हर औरत अपना भाई कहती है और हर औरत ये दुआ करती है कि अगर अल्लाह ताला उसे बेटा दे तो वो इकरार जैसा ही होना चाहिए। आइए बुलाते हैं इकरारुल हसन को उनके अपने घर में। एक्चुअली मैं उनके घर मेहमान हूँ। इकरार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने घर में बुलाया। आपका शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज में हमेशा स्पीचलेस। आज का दिन बहुत हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि जो सपोर्ट है हमारी वो ऑब्वियसली कश्मीर के साथ है। हम उनकी तकलीफ और दर्द समझ सकते हैं और आपने तो बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं इसके। जी हाँ, देखिए हमारा बड़ा अगर कहें ना रोमानवियत वाबस्ता है। बचपन हमारा सारा कश्मीर की वादियों और कश्मीर के पहाड़ों और उसके नगमों से, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे। तो हमारी तो नस्ल दर नस्ल वाबस्तगी और यकजहती है कश्मीर के साथ। मैं, मेरा बच्चा और हमसे पहले की नस्ल, सब के सब कश्मीर से बड़े बड़े रुमान के साथ वाबस्ता है। हाँ। और अल्लाह करे कि ये ख्वाब जो हम सब देखते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, कश्मीर के लोगों को आज़ादी हासिल हो, कश्मीर के लोग भी जिस तरह हम यहाँ आप और मैं आज़ादी से कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी करने की आज़ादी है और अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है ये। और हम अपना रिलीजन आज़ादी से फॉलो कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। 71 साल हो गए हैं, आप सोचिए, यानी उस खित्ते के बूढ़ों ने, उस खित्ते के जवानों ने, उस खित्ते के बच्चों ने, उस खित्ते की ख्वातीन ने कैसी कैसी कुर्बानियां नहीं दी हैं। और आज भी अगर आप देखें पैलेट गन्स के जरिए मासूम बच्चे, मासूम बच्चियां जिस तरह से उनकी आंखों में छेद किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनके जिस्मों में, लेकिन कमाल ये है कि 71 साल बाद भी वो जज्बा मांद नहीं पड़ा है। 71 साल होने को आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ादी की तहरीक उसी तरह से, बल्कि रोज़ अफजूं। आपको लगता है आज कुछ नया जज्बा आ गया है। जनाजे भी उठाते हैं, जख्म भी आप देखते हैं, लाशें भी गिरती हैं, लेकिन यानी एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ
کہ آپ کو لگے کہ نہیں مسئلہ کشمیر اب ٹھپ ہو گیا یا کسی سرد خانے کی نظر ہو گیا. ایک تو اس طرف سے بھی یہ جذبہ مان نہیں پڑا, اور مجھے خوشی اور اطمینان اس بات کا ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں میں بھی. اور بڑی اچھی بات ہے, کوئی سیاسی جماعت ہے آپ کی, آپ کا کوئی مذہب ہے, آپ کسی طبقے سے ہیں, آپ بہت برگر ہیں, آپ پل کے اس پار رہتے ہیں, نہیں کوئی بھی طبقہ ہے, کچھ بھی سوچنے والے ہیں, یہ ایک نقطہ, یعنی بڑے کم چیزیں ہیں جن پہ ہم سارے متفق ہیں, لیکن یہ ایک نقطہ ہے جس پہ پورا پاکستان, ہر عمر کے لوگ, ہر طبقے کے لوگ متفق ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, اور ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, اور اللہ توفیق دے پاکستان کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار اسی طرح سے ادا کرتے رہیں, اور اللہ کرے کہ یہ کردار الٹیمیٹلی آزادی دلائے کشمیر کے لوگوں. آمین آمین سم آمین. اور ظاہر ہے کشمیریوں کو ہمت دینے کے لیے ہم یہ اپنا پورا دن ان کے لیے وقف کرتے ہیں کہ آج کشمیری ڈے ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں, جو چھوٹے ہیں جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتائیں کہ یہ آج کے دن کی کتنی اہمیت ہے. اقرار, میں چاہوں گی جیسے پہلاج کو آپ اگر کچھ بتائیں گے آج کے لیے تو وہ کیا ہوگا, تاکہ وہ اور مائیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح گائیڈ کر سکیں. سب سے پہلے تو میں اسے یہ بتا کے یہ احساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی ہمارے بالکل پڑوس میں ہی ایک خطہ ایسا ہے جو 71 برسوں سے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, وہاں کے بچے اس طرح سے نہیں جیتے ہیں جس طرح سے پہلاج جیتا ہے. تو ایک تو اس کو کمپیریٹو انالیسس کر کے ذرا پاکستان کی قدر, اپنی مٹی کی قدر ہو, اپنی آزادی کی قدر ہونی چاہیے, اور پھر اسے کشمیر ایک درس کے طور پر, ایک سبق کے طور پر کہ کس طرح سے لوگ اپنی زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں, وہ بات جسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں, وہ بات جسے وہ حق سمجھتے ہیں, وہ بات جسے وہ سچ سمجھتے ہیں, پھر اس کے لیے یہ پرواہ نہیں کرتے کہ زندگی جاتی ہے یا آپ کی نسل قربان ہوتی ہے, وہ پھر اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں, اور تبھی اللہ تعالیٰ قوموں کو آزادی بھی دیتا ہے, قوموں کو کامیابی سے بھی سرفراز کرتا ہے. تو بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر میں ہماری نئی نسل کے لیے, پہلاج جیسے بچوں کے لیے. بالکل بالکل. اور اقرار کیا کیا سکھاتے ہیں پہلاج کو, یہ آج ان کے گھر میں بیٹھ کے جانیں گے. آج اقرار ہوں گی, اینی ہوں گی, اینی کہتی میں تو قرۃ العین کو, میں اینی کہتی ہوں ہمیشہ سے, بلکہ سارے آفس میں تقریباً اینی کہتے ہیں. ہاں, اور پہلاج تو مطلب لائک میرے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا وہ بچہ, وہ کلپ بھی شاید میرے پاس ہوگی اور وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی پروگرام میں. ایک چھوٹا سا کچھ مہینے, مطلب 4-5 مہینے کا تھا شاید, 5 مہینے کا, نیلی نیلی آنکھوں والا حسین کوئی بچہ, انگریز بچہ میری گود میں تھا, اور آج وہ ماشاء اللہ دیکھے کتنا بڑا ہو گیا. تو میں اتنی پرانی ہوسٹ ہو گئی ہوں, مجھے بھی اپنی عمر کا اندازہ ہونے شروع ہو گیا. آپ تو, آپ کا تو ریورس گیئر لگ گیا, آپ کا, آپ کو اقرار کا ایک موٹا سا منہ نظر آئے گا, اور آپ یہ دیکھیے ذرا ایک پتلا دبلا انسان, یہ بڑی محنت کی ہے اس کے لیے, تو ریورس گیئر لگا چکے ہیں. لیکن میں آپ کو پرانے کلپس دکھا دکھا کے یہ یاد دلاتی جاؤں گی, دیکھیے جوان اقرار اور یگ ہوتے جا رہے ہیں. آئیے ایک بریک پہ جا رہے ہیں یا ہم گھر جائیں؟ ہمیں بریک پہ جانا پڑے گا, اور گھر چلے جائیں گے, اور ہم گھر جائیں گے اندر, آج گھر میں ہوں گی ساری باتیں. اقرار سے بڑے دنوں بعد یہ ہمارے ہتھے لگے, تو ایسے تو نہیں جانے دینا. اور پہلاج تو آپ کو پتا ہے وہ تو ساری سچی باتیں کرتا ہے, اس کی تو سکھایا ہی ہے یہ, اما ابا کے پول کیسے کھولنے گی آج میں آپ کو بتاؤں گی. گڈ مارننگ. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. میں وہی ندا ہوں, یہ وہی اقرار ہے, یہ وہی پہلاج ہے, یہ وہی قرۃ العین ہے, گھر چینج ہے, یہ وہی صوفے ہیں جس میں میں بیٹھی تھی. اور میں آج اقرار کے اور قرۃ العین کے, یار اینی بول دیتی ہوں, قرۃ العین بہت لمبا نام نا, اور پہلاج کے گھر پہ موجود ہوں, اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں گھر پہ بلایا. بہت شکریہ آپ کا, آپ کا شکریہ. ابھی ہم پرانی کلپ دکھائیں پھر بات کریں ذرا. اقرار اور میں کوئی وہ جو نہیں ہوتے پہلوان, اوف اللہ ہیں وہ ہیں, آپ ذرا دیکھیے پھر میں ذرا بات کرتی ہوں. ظلم ہے. ہاں پاکستان, آج ہم اینی اور اقرار کے گھر پہ موجود ہیں. ہم نے سوچا تھا چھاپا ماریں گے, ابھی بچہ کہہ رہا ہے بریک, شریف اور اچھا انسان. اچھا کچھ آپ کو ایسا کھلونے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں, اقرار اس بات پہ غصہ نہیں کرتے, اقرار کسی بھی بات پہ غصہ کرتے ہی نہیں. غصہ کس بات پہ کرتے ہیں ڈیڈی؟ گھر گندا ہوتا ہے تو نہیں نہیں کرتے. اور اگر آپ جو ہے اسکول کی چھٹی کر کے گھر پہ بیٹھ گئے ہو پھر غصہ کرتے؟ جی علاقہ چینج ہے, اس وہ اے آر وائی کے قریب تھا علاقہ, میں علاقہ نہیں بتاؤں گی, گھر پہنچ جائیں گے لوگ,
एड्रेस भी नहीं बताऊंगी. और ये अब नया घर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, मैं आपको दिखाएंगे. कैसे हैं आप लोग जरा बताइए. या तुम्हारी वो क्लिप नहीं मिली मुझे पहलाज, वो जब छोटे से जो आए थे ना वो टेप्स, रेड टोपी तुम्हें बड़ा याद है. छोटे से थे अगर आप लोगों को याद हो, नीली नीली आंखों वाला छोटा सा हमारा पहलाज है. हाँ आप गूगल कर लीजिएगा आज. और ये यूं देखते 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 आज जरा खड़े होकर दिखाओ कितने बड़े हो गए. ये देखिए पप्पी तो डोडो टपाल तो कर लो है. एक उनसी अच्छी हो जाती है जब आप अपने एक किसी बच्चे को बढ़ते हुए देखते हो, उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन बैठो ना. और इससे पता नहीं ऐसा है जैसे इकरार से पाकिस्तान की आवाम को, इकरार की वजह से भी और एनी की वजह से भी, जाहिर है आप स्क्रीन पे खबरें पढ़ती रही हैं, अच्छी बुरी खबरें हमें बताती रही हैं, आप लोगों से उनसियत है ना, तो आपकी औलाद से भी उसी तरह की उनसियत, फैमिली वाला हाँ. एक लाती है और हम तो एक ही इदारे में काम करते रहे हैं और कितने साल हो गए सामना सब, तो वो एक एक ऐसी उनसियत है जैसे अपने बच्चों वाली ना, जो इतनी खुशी हो रही है ड्रामा आने वाला है, एक ड्रामे में ये आने वाले हैं सरप्राइज. सबको पता है, सबको पता है. हाँ चलो तो भाई अम्मी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि तुमने जो है ना वो स्क्रीन पे आने के बाद लगता है बोलना बहुत कम कर दिया है. नहीं बोलती मुझसे पूछे नहीं, प्यार से कम पहलाज से ज्यादा. क्या एनी की क्या अब काम, पहले तो जब आप जॉब करती थी तो उस वक्त न्यूज और फलाना और डेट टाइमिंग होती थी, अब एनी का क्या काम होता है. अब मैंने एक काम शुरू किया है, अभी हमने ये मैगजीन एक शुरू की है और ये इस पर हम लोग तकरीबन 3-4 महीने से काम कर रहे थे, तो फाइनली अब ये इसका फर्स्ट इशू है. और ये बिल्कुल हमारा जो न्यूज इंडस्ट्री है उसको हमने इस पे फोकस किया. मैंने कहीं देखा टाइटल, मैंने कहा यार कितनी अच्छी लग, कितनी मतलब बहुत प्यारी लग रही है सारी न्यूज एंकर्स और हैं भी प्यारी, बिल्कुल बहुत ग्लैमरस लग रही थी. तो मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया है, ये मुझे नहीं पता था तुम लोगों का मैगजीन है. ये हमने मैगजीन शुरू किया और इंशाल्लाह ये हम लोगों का नहीं एनी का, ये क्रेडिट जो है सो ऑफिसर ने वाकई में. और इसमें क्या क्या हमें देखना है. ये निदा हमने इसमें पूरी जो न्यूज इंडस्ट्री है हमारी जिसको हम एक फैमिली कहते हैं, उस पर हम हमारे सारे न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज पर्सनैलिटीज हैं, प्रोग्राम एंकर्स हैं, पूरा यानी ये पूरा हमारा जो मैगजीन है वो न्यूज. मुझे कहा कि मैं हिजड़ी की तरह बोलती हूँ, किसी दिन मेरी आवाज खराब हो शो देख लिया होगा तो मैं सॉरी, आप मुझे प्लीज पसंद करें ना, आप मुझे ना पसंद ना करें. देखिए जरूर आपका पैगाम पहुंचा. हाँ ना वो किसी दिन मेरा गला खराब है, रोज मॉर्निंग शो करना है, छुट्टी थोड़ी देगा जीजे गला खराब है तो. अच्छा अच्छा जो उन्होंने वो प्रोग्राम देख लिया तो. हाँ जी हाँ. तो अब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. वैसे हम सिर्फ इसमें जो है वो न्यूज़ को ही इसमें हमारे, और ये नहीं है कि सिर्फ इसमें आर्टिकल्स हैं या इसमें सिर्फ हमारे इंटरव्यूज हैं, जितने भी इवेंट्स हमारे न्यूज़ के इवेंट में है, वेडिंग्स हैं, कोई अंदर की खबरें कौन किससे लड़ा है, वो सारी चीजें जो है वो हमने इसमें शामिल की है. ये देखे जरा रो रही है, देखे क्या दिखा रहे, कह रहे देखे टॉप रेटेड शो. और ये भी देख रहे क्या, और क्या है, ओहो ARY News. ओहो तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको लाइटर साइड भी कवर करें, हम अपनी एंकर्स की. मुझे खुशी है कि एनी ने बड़ा डिफरेंट काम शुरू किया. असल में हुआ ये था कि जब एनी की तबीयत थोड़ी नासाज हुई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि एनी को जहर थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, बिकॉज ये काम करती हुई आई है हमेशा करती रही है, कुछ ना कुछ करें. तो हमने सोचा क्या किया जा सके इसमें, टेंशन कम हो, स्ट्रेस ना हो, अदरवाइज क्योंकि न्यूज में या कोई भी प्रोग्राम करते हैं ना तो आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, मेकअप क्या करना है, टाइमिंग की. हमने बड़ा सोच समझ के फिर हमने कहा एनी, क्योंकि एनी का ताल्लुक पढ़ने लिखने से रहा है हमेशा. क्योंकि मुझे याद है पहला छोटा होता था तो एक ड्यूटी इकरार लेके आते थे, दूसरी ड्यूटी एग्जैक्टली हम शिफ्ट जब हमारी चेंज होती है, एक आ रहा है एक जा रहा है बेचारा. बल्कि हमने दुबई के 3 साल भी ऐसे ही गुजारे ना, हम जाते थे वापस आता था तो मैं घर पे अकेला होता था, एनी ऑफिस में होती, खुदाफिज़ और सलाम दुआ, ये भी नहीं होता था बल्कि हेलो, ये भी नहीं, ये क्योंकि वो जब मैं आ रहा था तो ये जा रही थी, ये सफर में होती थी, तो इस तरह से ये जॉब फिर बड़ी गैप आ जाता है बीच में मियां बीवी के लिए. लेकिन मैं भी हूं, हां हां आपको तो हम देख ही रहे साबित, यहां आप भी हैं.
तो ये तो बहुत अच्छी बात है. बस अब ये है कि आजकल इसकी काफी मसरूफियत है. हाँ. कंटेंट सारा देखना, फिर डिजाइनिंग, फिर काफी चीजें जो हैं. तो अब ये एक चीज नई शुरू हुई है, इंशाल्लाह तआला देखें आगे. हाँ. कैसे चलता. माशाल्लाह पहलाज भी बड़े हो गए हैं. पहलाज भी तो पहलाज का ये कि पहलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उतनी है बल्कि ज्यादा हो गई है. लेकिन ये कि थोड़ा सा ना, अच्छा पहलाज का क्या रूटीन होता है? हाँ तुम बताओ. हाँ पहलाज स्कूल डेज पर या विकेंड्स? सब बताओ. जैसे अब सुबह उठे स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बस सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ. कभी मतलब नाश्ता करते हो क्या? नहीं, कोई नाश्ता करना चाहिए. क्या खाते हो नाश्ते में? दूध रस. दूध रस? दूध रस के ये रस के अंदर वो चाय है. जब स्कूल जाते हो लंच में क्या लेके जाते हो? लंच में एक दिन तो मैं कभी जिस तरह होम मेड बर्गर, मेरे को इतना मतलब मजा भी ले लिया. पाकिस्तानी कुक है तो उनको जिस तरह मतलब बन कबाब बना के देते हो, तुम कहते हो बर्गर बना दे, वो बेचारे बन कबाब बना देते हैं. अच्छा. हाँ. तो वो बना के देते हैं या फिर नूडल्स या फिर नगेट्स. अच्छा. या फिर सॉसेजेस. या फिर घर आते हो? फिर घर आता हूँ पढ़ वगैरह के थक के. खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं नीचे. सोते नहीं हूँ दोपहर में? नहीं. एक्टिव क्या खेलते हो फिर? क्या खेलते हूँ? कभी बाहर खेल लेता हूँ, कभी अंदर खेल लेता हूँ, उसके बाद फिर खेलता रहता हूँ. बोर कभी बोलते हो अम्मी अब्बू को? मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे बच्चे पता नहीं बोलते हैं बोर हो रहा मैं बोर हो रहा हूँ. कुछ भी हो मैं बोर हो रहा हूँ. तो क्या करें भाई, बोरियत का इलाज. क्यों बोर होते हैं? क्योंकि अब मेरे पास टॉयज जो थे वो मैं बच्चा हूँ, अब मैं खेलूंगा थोड़ी ना उस तरह. अब वो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब टॉयज से खेल. तुम्हारी शादी कर दे? मैंने कहा इसको तो मैं अगले दो साल में तुम्हारी शादी कर दूंगी जितने तुम बड़े हो गए. बोलो इसका तो फिर यही इलाज है. अच्छा फिर शाम में सोते कितने बजे हो बेटा ये बताओ मुझे. मैं वीकेंड्स वाइड 8:20 10. गुड. या 8 बजे मैं सुला देती हूं. वेरी गुड. ये तो जल्दी सोना तो बहुत अच्छी आदत है. और कल तो मैं 1 बजे सो रही हूं. कल शूट पे था ना? कल अपनी शूट पे था. शूट पे भी भाई बिजी होगा जी. अब हम आपके अब्बा की रूटीन की तरफ आ गए. ठीक है जी. इकरार का क्या घर में रूटीन होता है जब एक नॉर्मल डे है, जब इकरार को थोड़ा सा छुट्टी मिलती है या काम से फारिग है? ये अब तो खैर जिंदगी में कोई छुट्टी नाम की चीज रही नहीं. हाँ. कुछ ना कुछ करना है, कुछ नहीं. हाँ. तो कुछ लोगों को आपने घर पे मीटिंग के लिए बुला लिया. अच्छा. कुछ नहीं तो आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं. हाँ. कुछ नहीं तो आपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो हमारा एक हमने कैंपेन शुरू की है वॉलंटियर्स की, 12 लाख मेंबर्स हैं पूरे मुल्क के अंदर और 706 शहरों में वो काम कर रहे हैं. कैसा दिमाग हर वक्त चलता है. 12 लाख तो पाकिस्तान की मिलिट्री है. 12 लाख से कम है बट वो उसमें ये होता है कि आपस के मसले मसाइल बच्चों के, आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, ग्रुप जो आपस में टीम वगैरह एग्जैक्टली वो सारे. तो वो पूरे पाकिस्तान मतलब आपको अब्बू बनना पड़ता है ना एक, फिर वो मतलब जाहिर बड़े भाई के तौर पे उनको सबको समझाना और सारी. नहीं बड़ा भाई नहीं, अब्बू बनना प्रॉपर. मैं कोशिश करता हूँ डांट वांट के तो खैर, क्योंकि सब वॉलंटियर्स हैं, सब रजाकार हैं, फोन दे रहे हैं. जब मैं इकरार आपके पास पिछली दफा आई थी जब आप लोगों का इंटरव्यू करने, उस वक्त आपकी रूटीन और इस वक्त आपकी रूटीन में कितना जमीन आसमान का फर्क है. तब मैं हफ्ते में सिर्फ एक शो किया करता था और उस वक्त खैर वो भी बहुत लगता था. हाँ. और उस वक्त दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, अच्छा किसको पकड़ा जा सकता है. हाँ. इसका स्क्रिप्ट क्या होगा, इस पे कैसे, वो सब चीजें सिर्फ सरेआम वीक में एक शो एंड दैट इज इट. जिंदगी थोड़ी सी आसान थी. अब तो यू नो यू हैव टू बी ऑन योर टूर हर वक्त. आपको कुछ ना कुछ आपको सोचते रहना है, नेक्स्ट इवेंट क्या करना है, किस शहर में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में. उनके आप यू नो कुछ ना कुछ. लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है आपकी बेहतर इसलिए हो गई कि पहले आप देखें कितने गप्पू थे, अपना ख्याल भी रखते थे. अब आपने अपना ख्याल रखना शुरू इन सब मसरूफियत के बाद. मैंने कभी जिस तरह कह रहा था ना कि कुछ चीजें डाइट आप थोड़ी सी ठीक रखें. डाइट से बात ये जरूर, ये नहीं कि घास फूस खाना शुरू कर दें, पर जो भी खा रहे हैं हेल्दी खाएं आप. और फिर कुछ ना कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, भागना दौड़ना कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए.
फिर आप यू नो थोड़ा नेचर के थोड़ा करीब रहें, धूप, विटामिन डी और हाँ। बहुत, तो अपना ख्याल रखेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, आप कुछ डिलीवर कर सकेंगे कॉम को। आप क्या खाते हैं? आप मुझे अपनी डाइट बताएं आप। मैं सादा रोटी वोटी खाता हूँ। नहीं, सुबह के वक्त जैसे रोटी ब्राउन ब्रेड खाते हैं। नहीं, ब्राउन ब्रेड नहीं, वो अब तो खैर मैंने कहा कि भाई वो जो सही आटे की रोटी है ना वो दे ना, मिक्स ना करें उसमें व्हाइट आटा, जो नॉर्मल आटा होता है वो पक्का वाला सही वाला आटा है। रोटी खाते हैं आप? मैं हाँ, तीन वक्त खाना प्रॉपर खाना नहीं, जैसे नाश्ते में पराठा खाते हो क्या? नहीं, पराठा नहीं खाता। अच्छा। पराठा में छोड़े अरसा सालों में, लेकिन बड़ा दिल चाहता है कभी कभी, लेकिन कभी लुकमा नहीं लगा। जैसे अभी कहता बर्गर। अच्छा, तो बस सादा रोटी और वो भी एक फुलका बना के उस फुलके को आधा करके उस आधे की भी दो परतें करके उसमें से कोशिश करता हूँ एक या वो, बस यानी आप समझे। और उस एक रोटी के साथ चार पांच सालन होते हैं। हाँ। थोड़ा थोड़ा से सो दैट अगेन आपका टेस्ट उससे बोले। चार पांच सालन बनाती बहन घर में, कितने चार पांच बनते हैं? नहीं बनाती। नहीं तो नहीं बनाती, कोई बात नहीं, खाना आपको तो मैं नहीं, मेरे लिए मम्मा पाए बनाती है, पास्ता बनाती है, और मेरे लिए मम्मा कभी कभार क्या कहते हैं बैंगन पका देती है, चिकन बैंगन, आलू गोल, चिकन बैंगन, वाइट बैंगन होते हैं। अच्छा, नहीं तो चार पांच सालन या क्या वो इस तरह बनते हैं, क्योंकि अंदर दादू है, वहाँ चाचू चाची और अमेजा है, मैं बाबा है, ये है। और मैं बताऊँ, इकरार ज्यादा सब्जियां खाते हैं। अच्छा। ना, और जो मेरा देवर है मतलब इकरार टिंडे, कद्दू और शलजम, शलजम, तोरियां। आपके भाई से हम कभी नहीं मिले, आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई भी एआरवाई न्यूज में न्यूज डेस्क पे होते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं पहचानती, मैं मिली नहीं। शक्ल देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा। अच्छा अच्छा। और जो इकरार है वो खाता है भिंडी, चने, उसके उसकी सब्जियां। अच्छा, तो वो एक सालन उसके लिए बनता है, एक इनके लिए बनता है। अब एक पहलाज के लिए बनता है, कीमा बना लेती हूँ या बिल्कुल वो ऐसा पास्ता है कुछ। और आप तो तीन तो ही हो गए सारे, तीन ये हो गए, थोड़ा थोड़ा सारा आज थोड़ा थोड़ा आप खा लेते। तीन सालन तो ये हो गए, फिर एक कुछ साथ वैसे बन जाता है, कुछ पकौड़े या कुछ कबाब या कोई ऐसी चीज वगैरह, तो ये हो जाता है। और ज्यादातर तो मेहमानों के लिए बनता है। अभी मेहमान तो माशाल्लाह जो है आना जाना ज्यादा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनी होती है। तो कुक इतना अच्छा मिल गया, अल्लाह की मेहरबानी है, नजर ना लगे, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये कि हम उनके साथ कुक के साथ ताबुन करते हैं ना, अकेला कुक तो तंग नहीं करते। ये है कि फिर वो काट काट के देते रहते हैं, मैं जो मेरी देवरानी है वो हम लोग को साथ साथ पकाते रहते हैं। अच्छा, घर का खाना हम लोग खुद पकाते हैं। अच्छा, और ये जरूरी है भाई के लिए। ये क्या कुछ बोलने वाला तो रुक गया। अच्छा, फिर आप अगर आपकी कोई छुट्टी का दिन है, जैसे कभी मैंने देखा है कि आप जैसे इसकी शूटिंग थी तो आप इसके इसके साथ गए थे, वो आपका थोड़ा छुट्टी का टाइम हो गया, या आप एनी को और पहलाज को लेके कहीं घूमने गए हैं बाहर, उसकी पिक्चर्स हम लोग देखते रहते हैं, वो आपकी छुट्टी है? वो भी छुट्टी होती है, और कोशिश होती है पहलाज के साथ टाइम जितना ही। हाँ, मतलब अगर कभी कहता है क्रिकेट खेलें बाहर, तो कोशिश करता हूँ कि इसके साथ जाके फिर ये फलां जगह जाना, फलां चीज़ लेने के लिए, तो जितना वक्त होता है। और ये रूटीन बड़ी अरसे से है, जब घर साथ था ना ऑफिस के, तो होता ये था कि कोई एक शूट और दूसरी शूट के बीच में अगर 10 मिनट भी होते थे तो घर तो मैं फौरन से घर जाता था कि 5 मिनट भी बच्चे के साथ गुजार के और फिर आप नेक्स्ट का, क्योंकि ये वक्त शायद दोबारा नहीं आएगा आपका, आपके बच्चे के साथ सारी चीजें आप करते रहेंगे। अब आपको याद है जब मम्मा का देर तक शूट होती थी और आप घर पर होते थे, तो फिर मम्मा मुझे भेज देती थी और हम वो वाटर वाली वो खेलते थे। तो आप मम्मा के साथ जाते थे ऑफिस कभी कभार, जब दादू घर पर माहौल वगैरह साथ तो इसने वो माहौल देखा है ना, तो इसने सारा न्यूज का माहौल देखा है। कल मैं इसकी पुरानी वीडियो देख रही थी, इसमें ये ना तीन साल का, तो ये हेडलाइंस पर और साथ साथ ना म्यूजिक भी मुंह से खुद ही बड़े बड़े मजे की इंटरेस्टिंग वो वीडियो थी उसको रखा हुआ था। नवाज शरीफ इमरान खान ने जलसा मुलतवी कर दिया, इस्लामियत का पेपर जो है वो खत्म हो गया, बच्चे बैग बंद कर ले, और कुछ इस किस्म के खुद से हेडलाइंस बना बना के तो ये पढ़ रहा था, साथ साथ म्यूजिक भी बजा रहा था। और पता नहीं जर्मनी के टॉयज आर एस को बंद कर दिया गया जर्मनी से होके आया था, ताजा ताजा वो जो इसकी चीजें थी तो उसको हेडलाइंस बनाया हुआ था। जर्मन वर्मन सीखी आपने? नहीं, बस एक वर्ड आते हैं, डांके। डांके शो। मेरे मियाँ को एक ही वर्ड, एक सेंटेंस आता है, इश्ली बिडिश, यानी आई लव यू।
चले मैं भी सीख लेता हूँ, अच्छी बात क्या नहीं, ये ना सिखाए भाई आप ना सीखे अच्छा अब मैं ब्रेक पे जा रही, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आके पूछूंगी इकरार से अब तक कितने काले कपड़े जमा हो चुके हैं, पिछले प्रोग्राम में भी पूछा था भी थे लेकिन अब हाँ अब कितने हो चुके हैं, और एनी क्या काले कपड़ों पे तो फौरन धब्बा पड़ता है, फौरन कितनी मुश्किल होती है, कितनी जल्दी जल्दी मैं तो साथ साथ ब्रेक के बाद बताना ना, थान लेके आती हूँ, महीने के सौदे में आता है क्या हो, थान के हिसाब से आके सेल कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज इकरार और उसकी फैमिली के, उनकी फैमिली के साथ, मैं उसकी क्यों कह रही हूँ, छोटे हैं मुझसे। दुआ करती होंगी कि ये बड़े होके हमारा नाम रोशन करे, अच्छा इंसान बने, सीधे रास्ते पे चले और दूसरे लोगों को भी सीधे रास्ते पे लाए। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है उसकी पिटाई करते हैं, आप क्या करते हैं? मारते। कैसे मारते हो? तकिया ही से उठाती हूं। तुझे लाइक शो? हां, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आया हूं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक। आज आप ब्रेकिंग न्यूज सुनेंगे पहलाज इकरार से। पाकिस्तान का मैच हुआ है और इंडिया का। कौन जीता? पाकिस्तान। ये विन विन पाकिस्तान जा पाकिस्तान। आज मेरी बर्थडे है, यह गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, यहाँ लेते हैं छोटा सा। कैसे मनाते हो बर्थडे? जिस तरह एक दफा पिज्जा हट पे फर्स्ट बर्थडे मनाई थी, वो पूरा रूम बुक करा के दूसरी दफा क्या कराई थी? पहलाज आपको याद होगा, वो मैं 2 साल का था तब, मुझे कैसे याद होगा। अच्छा ठीक है। मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे, ठीक है, जिस तरह कासल्स हो गए और उसकी फौजें हो गई, मैं उनसे बहुत ज्यादा खेलता था। पढ़ते हो या पढ़ाई में तंग करते हो? पढ़ता तो हूँ, पढ़ने के टाइम पे पढ़ता हूँ। और जब हम अपनी औलाद की बात करते हैं तो जिस तरह मैं अपने बेटे को सामने रख कर सोच रहा हूँ कि भी किसी की औलाद है, आप अपने बच्चों को सामने रखकर सोचिए। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम आपको वेलकम कर रहे हैं यहाँ पहलाज के प्ले एरिया में, जहाँ ये आते हुए थोड़े शर्मा रहे थे कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ये तो छोटे छोटे खिलौने पहलाज, लेकिन आपको पता है अभी हमने आपके बचपन से लेकर अब तक के क्लिप, अभी भी आपका बचपन ही है, 2013 से लेकर 2018 तक के क्लिप्स आपके हमने जोड़ जोड़ के दिखाए, और ये इतना माशाल्लाह पुराना आ रहा है कि 2010 से वैसे ऑनवर्ड्स आ रहा है आपके शो में कि वो टेप है जो है वो हमें 2010 की टेप ही नहीं मिली, वो इतना पुराना आपके शो में आ रहा है, चरीज हो चुकी है वो टेप। अच्छा भाई, ये टॉय रूम है और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, पाजू एरिया कहते हैं। कौन सा एरिया? पाजू एरिया। ये क्यों, ये क्या नाम है? मेरा निकनेम पाजू है ना, तो उसके बाद प्ले हटा दो पाजू और एरिया। आपने पहली दफा बताया ये पाजू नेम को? खुद रखा है, कोई इसको कहता कोई कहता नहीं, सब पहलाज कहते हैं, खुद अपना नाम अपना निकनेम। ये कोई वो रेस्टोरेंट खोलता है तो क्या पाजूस उसका नाम रख देता है, उसका नाम पाजूस। अभी वो मेरा एक रेस्टोरेंट मैंने खोला था मिस्टर फास्ट फूड, लेकिन उसको सीव्यू पर किसी लेन ने कॉपी कर लिया, मोर लाइक मैंने उसको कॉपी कर लिया। अच्छा ये जो इकरार के पीछे कॉट आप देख रहे हैं, जरा इसको फोकस करें, जिसमें अब चीते बिल्लियां भालू सारी ये वो कॉट है जिसमें पहली दफा पहलाज घर आके सोए थे, है ना पहलाज? और सोता कभी भी नहीं था, वैसे सोता नहीं, सोता मेरे पास ही था। क्या होता है ये? अच्छा जब बच्चा जो है छोटा बीच में सोता है अम्मा अब्बा के, तो अक्सर अब्बाओं को डर लगता है मैं गलती से बच्चे को पढ़ा नहीं, मुझे मैं बिल्कुल कॉर्नर पे सोता हूँ और मेरी आदत बन गई है, बिल्कुल कोने पे होते हैं बिल्कुल, कि मुझे डर लग रहा है नीचे गिर गए, हालांकि मैं इसको खींच के बिल्कुल एज पे सोता हूं, मैं इसको खींच खींच के इधर करती हूं कि थोड़ी सी जगह इकरार को मिल जाए, लेकिन इकरार बिल्कुल कोने पे। अभी भी अम्मा अब्बा के बीच में सोते हैं, इसको नींद नहीं आती। अभी मुझे ब्रेक के दौरान शिकवा कर रहे थे कि मेरे तो कोई रूम ही नहीं है, गेस्ट रूम बनाया नहीं है, लेकिन जब कोई जाएगा तो फिर सो जाएगा, अच्छा भी नहीं सोता, ये डर लगता है। बोलो ये बोलो, आदत है ना, कुछ बच्चे तो अकेले अपने कमरे में सोते हैं। हाँ, मैं अम्मा अब्बा के बीच में घुस के सोना है भाई, आज मैं अपने रूम में। आज से निदा खाला और पप्पो ने शर्मिंदा कर दिया, आज से तो मैं अपने रूम में सोऊंगा। हाँ अच्छा, ये खुद इसको अभी भी सुलाना पड़ता है
जी जी या ये सो जाते हैं? नहीं 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 सुलाना पड़ता है। क्या कहानी सुनाते हैं? नहीं कुछ कहानी नहीं, लेकिन साथ लेटना पड़ता है। अच्छा, वरना मम्मा पहले कभी कभार मैं सो जाती हूँ, पहले कभी मम्मा सो जाती है। ऐसे तो कभी भी नहीं होता, फिर कभी जिंदगी में नहीं आज कभी अब्बू ने सुलाया है, अगर अम्मी नहीं है घर में पापा कहते हैं ना। सोचो सोचो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन आपको पूरे कमरे में घूमता था और लाल की लोरी सुनाता था और फिर ये जो है वो काफी अच्छा डेढ़ दो साल इस तरह। अब अम्मी के बारे में, लेकिन ये मुझे कहानी वगैरह और नहीं सुनानी, बातें बातें करता होगा बस, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके सो जाता। अच्छा भाई कोई टॉय दिखाओ ना पुराना, कोई आपके बचपन का पहला या मेरा पहला आप लोगों ने खुद लाए हैं और ये यहाँ था नहीं, मम्मा की कैबिनेट में था तो ये वजाहत कर दो कि खुद लाए हैं ऊपर से। ऊपर से ना पहलाज को पाए ना, पहला तो मैंने संभाल के रखा है इसको, मैंने दिया जो भी टॉय मेरे मम्मा को अच्छा लगता है वो यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के अपने कैबिनेट में रख लेती है मेरे से सेफ, ताकि मैं बड़ों के इसको दिखा सकूं। हाँ। इसने ऐसा के अगर मैं कुछ छोटा सा टॉय या से मेरा फेवरेट टॉय होता है ये जो है बलाज का, बलाज के अरे बलाज का मेरी औलाद है ये हमने सारे मुझे बलाज ही कहते हैं। अच्छा तो ये पहला कॉर्ड पे हैंग किया था ना। हाँ जी, इसके साथ एक वो मेरा था क्लिप सा, इस पे हमने वो बड़ा अच्छा वो एक ऐसे करके नेट का वो बनाया था। हाँ। कॉटेज टाइप ऊपर और फिर इसके ऊपर ये हमने हैंग किया था। ए है बड़ा नखरे उठाए पर हम पापा ने पहला टॉय। अच्छा आपने मुझे बताया था वैसे पिछले प्रोग्राम में कि आप इसके लिए टॉयज लेकर आते हैं जैसे बाहर जाते हैं वहाँ देते। अब तो नहीं, अब तो खैर अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसको असल में गिफ्ट्स वगैरह इतने मिले ना। वो पूछ रहे थे कि इतनी गाड़ी, दो ये हैं, दो बाहर हैं और पूरा। हाँ। मैंने कहा एक तो हमने खरीद दी इसको। हाँ। एक किसी को पता नहीं था उसने गिफ्ट कर दिया, एक जीतो पाकिस्तान से मिल गई। हम लोग कहीं जाते हैं ना तो उसे कहते तुम खुद देख लो, अगर तुम्हें कोई चीज डिफरेंट लगती है तो ले लो। मैंने कहा चैलेंज है बेटा, ये टॉय स्टोर है, अंदर चले जाओ और वो चीज जो तुम्हारे पास नहीं है यानी उस तरह की चीज ना हो, प्लेन है तो प्लेन ना हो तुम्हारे पास। था वो रोबोट भी मैंने वहीं से लिया, लेकिन पहले भी पापा मेरे रोबोट मुश्किल होती है कि अब ये क्या ले नहीं नहीं यकीन करें फिर ये कोई इतनी छोटी सी चीज उठा के लेके आया। हाँ। ये लेके आया हूँ मैं, बाकी सब तो माशाल्लाह है इसके पास। एक दफा मैं ले आया था ये जोकर, क्या दिखाओ छोटा सा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा कभी बात सुनो, अम्मी अब्बू की बर्थडे होती है या शादी की सालगिरह होती है कोई गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो? इस साल तो मैंने मम्मा मतलब बाबा और मम्मा की एनिवर्सरी पर मैं उनको देना था चाह के मैं मेरे पास था एक जापानीज अंकल बाबा के घर आए थे जो पंजाबी बोलते थे तो वो बाबा के दोस्त थे तो उन्होंने मुझे कम से कम 60,000 रुपीज दिए और 10,000 no, 50,000 रुपीस नहीं, पैसों का बस ये बताना। अच्छा ठीक है बताता, लेकिन मैंने बाबा से कहा कि उन्हें कि मैंने बाबा से कहा कि मुझे ना वो ले दे, मैं आपको डिनर कराऊंगा, हमने जाना था, बाबा ने मना कर क्या कराऊंगा डिनर के पैसे, लेकिन नहीं। और बाकी के जो आप सोचे मेरे पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? मम्मा ने सेल से लेके चोरी कर ली थी मुझे, असल में मैंने अपने लॉकर में रखा है वो देखने उस स्पाइडरमैन वाला जो वो मिला के दिखा दो आराम से इसके पैसे रखे। चोरी नहीं की थी मैंने, मेरा चोरी की थी, मेरा एटीएम कार्ड नहीं चल रहा था ना, एटीएम कार्ड नहीं चल रहा था, आपके पास वो नहीं थी पहला मेरी बात, मेरा एटीएम कार्ड नहीं चल रहा था इस केस में, इसने इसमें पैसे रखे मैंने देखा यार अभी खर्च कर लेती हूं वापस, इसमें क्या करना है वो है ठीक है। अरे लॉकर तो बड़ा अच्छा है तो इस पे मैं मतलब कोड लगा के रखती हूं, कोड लगाया पासवर्ड था मम्मा को गलत पासवर्ड हुआ तो मैंने टू टू किया टू टू मैंने अंदर आके देखा टू टू किया है तो वो मेरे पैसे निकाल और अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं। देखो बात सुनो, बच्चे के पैसे खोलो, कैसे खोलेगा तो मैं वापस रख दूंगी ना, ऐसे इसमें क्या बात है, चोरी करने की क्या बात है, अभी तक तो नहीं रखी। बात सुनो, बचपन से मेरी अम्मी मेरी ईदी लेती आई, आज आप बताएं अम्मा को तो हाँ कही थी खाली तो यार देखो बात सुनो, ये तो उनका एक अम्मी का एटीएम कार्ड नहीं चल रहा था ना, देखो जब मुझे पैसे चाहिए होते मैं भी अपने बच्चों से ले लेती हूँ,
जब अम्मा अब्बा के पास नहीं होंगे तो बच्चे ही देंगे ना. अच्छा आपके आपके दादू को जब पैसे चाहिए होते तो किससे लेती हूँ? बाबा से ही लेती है ना. नहीं तो बाबा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं. सब बता दे भाई, इतना नहीं बता सारे राज. अच्छा हमारा मतलब मैंने पूछा नहीं, लेकिन माशाल्लाह पहलाज की परवरिश इतनी सच्ची और वो खरी इन लोगों ने की, और ये टोकते और रोकते भी नहीं है कि ये एक अच्छा इंसान इसको बना सके. लेकिन खतरनाक है ये कि बच्चा वगैरह घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब टीवी पे कहने वाली नहीं होती. लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर मैं उसके दिमाग में कि बेटा ये बात करनी है और ये नहीं करनी चाहिए, तो उस बच्चे को बहुत अजीब सी इसमें डाल देते हैं कि झूठ बोलना. लर्निंग है कि हम ये जरूर सिखाएं कि बेटा ये लफ्ज नहीं बोलना, ये जिस तरह भी कुछ कह रहा है तो आप जरूर साथ साथ बताएंगे. अच्छा जरा अब ये नहीं कहना चाहिए मम्मा ने चोरी की. हाँ. कहता कि बस तो बस उसकी लेकिन अब ये मत बताएं कि यार तुमने चीजें छुपानी है, ये तुमने झूठ बोलना है, ये तुमने कुछ जो है वो जो नहीं है वो दिखाना है. इकरार आपके बेटे की क्यूटनेस ही है ये, पता है. वो बच्चे माँ बाप बच्चों को जो रटवा देते हैं, बड़ी बड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं, उनका बचपन छीन लेते हैं, वो क्यूट नहीं लगता. इसकी क्यूटनेस ही यही है. ये तो तो इसलिए ये तो रहनी चाहिए हर वक्त. यार पहला हम बैठ जाए तुम्हारे अभी वो पैसे बस गई तो इसने मुझे वहाँ शॉपिंग करना मुश्किल कर दिया. यार कभी इधर भागे. हालांकि मैंने इससे वादा किया कि बेटा तुम्हारे पैसे वो मेरे पे समझ लो मैंने देने हैं. मामा बैठने दो, मामा को यहाँ बैठने दो. थैंक यू. आप मेरे पास बैठो. एक मिनट में आ रहा हूँ. अच्छा अरे मेरा पर आप फ्रेम में नहीं आओगे. आप इधर आओ ना, आप आपकी बातें करें. अच्छा क्या खर्च नहीं करने दिया, क्या बात कर रहे थे? मुझे शॉपिंग मम्मा कह तंग कर दिया इसने. वो सारे डॉलमिन को पता चल गया कि मैं इसके पैसे देती हूं. नाराज होके इधर कभी उधर कभी उधर, और उसमें से आधे तो इसने खुद खर्च कर लिए. क्या हो गया? 30,000 आपने किए, 2,000 मैंने किए. बर्गर पर मैंने बस एक बर्गर खाया. मैंने एक बर्गर तो खा सकता हूं, वो शॉपिंग तो नहीं है ना. अच्छा बात सुने, कभी अगर आप दोनों की लड़ाई होती तो इसका क्या हाल, मतलब ये इसका क्या अमल होता है उसमें? मुझे कहते मामा चुप कर जाए, मामा मुझे वॉशरूम आना है. लड़ाई लेकिन नहीं, कभी लड़ाई इसके सामने ऐसे लड़ाई नहीं होती. थोड़ा सा इसको लगे ना कि मैं कह रहा हूँ यार है ना इस तरह भी क्या. उसके बाद ये होता है कि मामा बस आप मान जाएना या मुझे क्या कहवा बस ना. हाँ. तो बस वो फिर हम इसके सामने. यार ये बड़ा अच्छा आइडिया यार, सारे बच्चों को बता रहे हैं. शुरू कर दो, मुझे नींद आ रही है मामा, मुझे वॉशरूम जाना है. ये मैं यहाँ से माँ को तो लेके चलूँ ना, अब्बा को कुछ नहीं कहता. चिल्लाको चिल्लाक उसे पता है अब्बा ठीक होते हैं हर वक्त. अच्छा अगर आपसे कोई नाराज हो जाते हैं मम्मा या बाबा, तो फिर आप कैसे मनाते हो उन्हें? बाबा तो मेरे से बस कभी वैसे नहीं हुए, लेकिन मम्मा कभी कभार जब मैं बदतमीजी करती हूं तो हो जाती है. फिर क्या करते हो? मैं उनसे सॉरी कहती हूं. सॉरी ना ऐसे गले वाले लगाते हो ऐसे दूर दूर से? सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी. अच्छा सॉरी कर देना. अच्छा सॉरी. अच्छा आपने सॉरी नहीं की ना. सॉरी नहीं. इतना तंग करता है कि दिल चाहता है अच्छा भाई सॉरी माफ कर दो. हाँ, अच्छा मैंने इसको बिगाड़ने में ना इकरार का बहुत ज्यादा, जो थोड़ा बहुत बिगड़ा है ना ये. हाँ. और जो जिदे इसने करना शुरू की वो इकरार की वजह से, वरना मेरे साथ ही सीधा रहता था. मैं बताऊँ क्यों इकरार ऐसा करते होंगे, क्योंकि जब कम मिलता है ना बाप तो वो फिर वो उनको डांट नहीं. लड़की में इतनी शदीद सर्दी थी यकीन करें, और उसने रात को पता नहीं 1-2 बजे मैं तो दूध पी के सोऊंगा. और फिर बाबा बेचारे ठंड में बाहर गए और लेके आए दूध. ये मुझे तरस आ गया. इसी को तो माँ बाप कहते हैं, इसी को तो माँ बाप कहते हैं. और हम इसे कुछ कहते हैं तो ये कभी नहीं मानता. बड़ा होके मानेगा हर नहीं मानता. हर चीज रिपीट हो. इतना अच्छा बच्चा, इसमें कोई शक नहीं. इसलिए नहीं कि हम टेलीविजन पे हैं, लेकिन सच में बड़े मुझे नहीं याद पड़ता किसी को बात समझाई हो. बच्चा जाहिर एक आध बार तो जरूर आगे से कहेगा जिद या कुछ भी मांगता है, लेकिन उसको समझाए लॉजिक के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. कैसे क्या एक्सबॉक्स तो आज तक नहीं माना अभी तक. तो बाबा बच्चा हर बच्चा की जिम्मेदारी है. बच्चा खेल बस जिम्मेदारी कह रहा हूँ, बच्चा खेल फोर्टनाइट सारी दुनिया के बच्चे खेलते. हाँ सारी, लेकिन पूरे दिन तो नहीं खेलते ना. पूरे दिन का पूरा दिन नहीं. हमने एक टाइम डिसाइड किया, अब उस पे कोशिश थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है. बेटा आंख के चश्मे लग जाएंगे, मेरे बेटे के चश्मे मेरे पास है लग चुके. अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले हमने थान की बात की थी काले कपड़ों के, है ना याद है? अच्छा वो एक बंदा है, अब वो हमें खुद ही काला कपड़ा भी दे जाता है. उसको बता देते हैं कि भाई इसको सी दें, तो वो सी के भी घर दे जाते हैं. तो अब हमें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. हाँ. घर वो सिलवाने के लिए ब्रांडिंग कर दो बेटा.
अच्छा सुने कभी तो दिल चाहता होगा कुछ और पहनने का, कभी कोई और कलर? हाँ, वो कुछ खास मौकों पे पहनते हैं इनको शायद अफरीदी का फाउंडेशन नहीं, होप नॉट आउट, शायद अफरीदी का जो थे तुम सारी ब्रांडिंग करते हो बेटे, तो वो पहनते हैं। अच्छा, और उनको एक शर्ट भेजी थी वो भी। हाँ, छुट्टियों पे जाते होंगे तो कपड़ों की भी छुट्टी होती होगी ना, काले कपड़ों की? हाँ, वो फिर होता है कि बाहर थोड़ा आप फिर आप थोड़ा वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न भी और जरा पर जाहिर वो ट्रैवलिंग में आपके लिए आसानी भी तो फिर आसानी भी होती है। हां, बिल्कुल, बाहर ज्यादा पहनता हूं। तो इकरार, अब मतलब लाइक जैसे हमें स्कूल यूनिफॉर्म से ना कुछ उलझन होने लगती थी, तो आपको नहीं होता कि? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं बड़ा जिंदगी में कंफर्टेबल हो गया। अब तो पतले भी हो गए। हाँ, लेकिन मेरी एनर्जी जो है ना 50% समझो। बड़ा मुश्किल है कि आज क्या पहने, आज क्या पहने, अच्छे इकरार हो, कुछ काले पहने ना। तुम्हारी मुश्किल आसान है। हाँ, मुश्किल आसान है। बड़ा ये शर्ट पहनो, ये निकाले, ये सिर्फ वो नहीं, शॉपिंग नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं जिंदगी में आपको सिर्फ ये है कि यार कुछ नया ले लूँ, कुछ शर्ट, कोई कुछ ना, क्यों आपको दिमाग से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह, तो उस ट्रैवलिंग में शॉपिंग आपने कहा माइनस हो गई, तो मेरी तकरीबन 5% होती है हल्की फुल्की सी कुछ। तो उस वक्त आप लोग क्या सीखते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, क्या सीख रहे होते हैं? मैं तो लिटरली शुरू में जाता था तो मैं डिप्रेस हो जाता था। अच्छा, 12 दिन 15 दिन पाकिस्तान याद आ रहा है? पाकिस्तान याद तो आता है, जाहिर है, तो 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता पाकिस्तान में, आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो वहाँ का कल्चर, वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, वो चीज़ें जो हमारा मजहब सिखाता है, मुस्कुरा रहे हैं लोग, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद के मामले में जितना एक दूसरे का ख्याल है, इशारों पे जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं, किस तरह से जो माजूर अफराद हैं उनकी, यू नो, वो सारी चीज़ें जो एक इस्लामी फलाही रियासत में होनी चाहिए, वो पूरा मॉडल उठा के वेस्टर्न ने अपना लिया और बेहतरीन तरक्की कर रहा है, शानदार, लोगों की ज़िंदगी अच्छी। तो मैं जितनी चीजें देखता था ना, आपने टक्कर मारी है किसी को, वो आपको सॉरी बोलेगा, वो भी नहीं, आपको हर लिफ्ट में कोई जानता नहीं जानता आपकी हेल्प करेगा, आपको स्माइल करेगा, आपको यू नो हाय हेलो कुछ ना कुछ, आपकी एक पॉजिटिविटी, एक वाइब अच्छी वाली। तो मुझे तो होता है कि यार ये सारी अच्छी चीजें ना यहाँ चली, और है हमारी चीजें ही, वो हमने छोड़ दी है और सबने अपना लिया। तो मुझे तो बस मेरा दिमाग तो कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा होता है कि यार ये सिस्टम, मसलन मैं कहीं स्कूल में गया हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, वहाँ पे येलो बस है, वहाँ पे कैसे लोग स्कूल के बच्चों को रास्ता देते हैं, तो वो सारी चीजें मुझे होता है कि अल्लाह क्रॉस करना, सिग्नल नहीं तोड़ना, एवरीथिंग, सफाई। हाँ, मतलब एक बुड्ढा आदमी भी बेचारा एक एक चीज उठा रहा था, चैलेंज कर सकते हैं आप कुछ जगह ऐसी जहाँ आपको पुर्जा तक नहीं मिलेगा कोई कागज का। तो मुझे होता है अल्लाह करे बस ये किसी तरह सारा कुछ जो है ना वापस चला जाए, हमारी ही चीजें, हम ये अंदर से होना पड़ेगा, जड़ों में होना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। मुझे लगता है सख्ती होगी, सख्ती करने से जब तक आपको सिंगापुर में चलना फिरने पे फाइन है भाई। मैंने, मुझे पता है, क्योंकि उनका वो जो इतना ज्यादा महंगा रेलवे था वो भी च्युइंगम फेंकने भी सड़क पे फाइन है, और च्युइंगम खाना भी फाइन है। नहीं, खाना फाइन नहीं है, नहीं मतलब लाइक आप नहीं खा सकते रोड पे क्योंकि वो थ्रो करते हैं, तो सही कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे तो लोग पान की पीपे फेंक देते दीवार पे यार। और नॉर्थ कोरिया में तो आप जीन्स भी नहीं पहन सकते, ये क्या? अच्छा, ये इसका मुझे नहीं पता, ये कोई नई बात है। रियलिटी टीवी, एक तो ना इसने रियलिटी टीवी देख के पता नहीं क्या क्या चीजें ये सीख गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और वहाँ पर आप सिर्फ हुकूमत के दिए गए हेयर स्टाइल्स ले सकते हो, और आप वहाँ क्या? और चाइना में क्या अलाउ है ये बताओ? चाइना में सिर्फ वन चाइल्ड रखा है। हम चाइनीज उसमें अमल कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ब्रेक भी ले लें प्लीज। अच्छा नहीं, मुझे पहले ये बताएं कि इसके बाद हम वहाँ पर जाएंगे। हाँ भाई, इसके बाद ये ले जाएंगे जहाँ आपका घर है, आप ले जाए हमें, बस बाथरूम ना ले जाना भाई। ब्रेक लो ना। अच्छा, हाँ। तो आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। माँ दुआ करती होंगी कि ये बड़े होके हमारा नाम रोशन करे, अच्छा इंसान बने, सीधे रास्ते पे चले, और दूसरे लोगों को भी सीधे रास्ते पे लाए। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा गलत काम कर रहा है उसकी पिटाई करते हैं, आप क्या करते हैं? कैसे मारते हो? इकरार के नखरे किस चीज में है सबसे ज्यादा? उसका ये है कि मैं बात नहीं कर रहा, मसलन मैं बैठा हूँ, मसरूफ हूँ, तो मेरी बात ये खुद ही समझ जाए। मारे खाए इकरार ने आपसे? बहुत। कैसे? आपने चप्पल उतार के खींच के मारने, इकरार रुक रुक इकरार। बचपन में कैसे थे इकरार? शरारती बच्चे थे? अम्मा रात को 4 बजे आती थी तो मैं बैठा मतलब पढ़ रहा होता था। मतलब शेर व शायरी के लिए मतलब ये तुम्हें हनीमून वगैरह पे भी लेके गए या कह रहे थे चलो लाइब्रेरी चलते हैं पढ़ो?
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हम हैं आपके फेवरेट फैमिली के घर पे. इकरार, एनी और पहलाज भाई, ये तीनों ऐसे हैं जो पाकिस्तान की जान है. और ये हम इनके म्यूजिक रूम में है, तो यहाँ तो म्यूजिक होगी ना. ये म्यूजिक रूम है या मैंने इसको म्यूजिक रूम बना दिया है? नहीं, बना दिया आपने. बना दिया. यहाँ पियानो बजाते हैं बस यहाँ पे. हाँ, ये फिटिंग रूम है तो यहीं पियानो होता है पहलाज. अच्छा, क्या पियानो के लेसन्स ले रहे हैं? हाँ, शौक है इनको पियानो बजाने का. अच्छा, तो कुछ हो जाए, कुछ सुनाया जाए, क्या ख्याल है? ठीक है, बता दीजिए. रेडी. आपके डैडी आपका साथ दे देंगे. माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर आता है कि आप लोग कितनी इसको तवज्जो देते हैं. माशाल्लाह हमारे सामने ग्रो कर रहा है, टैलेंटेड. अल्लाह ताला इसको नजरबंद से बचाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं हमेशा से ये बात सिखाता हूँ कि देखो, जिंदगी में जो भी करना है, कोई काम भी किया जा सकता है. कोई काम भी, ये ना बहुत सुनते हैं हम कि कोई काम भी छोटा नहीं होता. हाँ, बाकी ऐसा बिल्कुल. आप कीबोर्ड बजाते हैं, आप गोल्फ खेलते हैं. हाँ, आप गिटारिस्ट हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप एंकर हैं, आप कोई छोटा कोई काम अगेन छोटा नहीं हो. तो कुछ भी करें, आप जैसा काम वो दुनिया में कोई और ना करता हो. यानी जो भी करें इतनी परफेक्शन के साथ, यूनिक. आप अपना काम बस वो आप ही करते हैं, और कोई ना करता हो. तो अल्लाह करे बस कुछ जो भी इसके नसीब में लिखे, अपनी मर्जी से करें, उसे एंजॉय करें और ऐसा करें कि बस उसकी कोई मिसाल ना हो, इंशाल्लाह. अच्छा पहलाज, मुझे बताओ आपकी कौन सी आदत है जो मम्मा जैसी है और कौन सी आदत है जो बाबा जैसी है? देखिए मम्मा ना, जब भी कोई अच्छी चीज नजर आती है मम्मा, मतलब जिस तरह कोई डरना चीज वो देखो, जिस तरह कोई अच्छी चीज वो देखो. मेरे बाबा के साथ अगर मैं फ्रेंड सीट पे बैठूं, अरे बाबा वो देखे जहाज, बाबा वो मम्मा की तरह है आपकी. याद तो वो एकदम जो बंदा साथ में परेशान हो जाता है कि यार यार मतलब क्या हो गया. इस बात पे कैसे बहुत डांट पड़ा कर दी. पहलाज भी काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाबा वो देखे बच्ची है. अब क्या अजीब हो जाएगा, क्या बाबा वो देखे बच्ची है, खरी बच्ची है. फर्क क्या बता गई, नहीं 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 नहीं
अच्छा भाई अब्बा की कौन सी आदत है पहलाज? बाबा टीवी देख के खाना खाते हैं कभी कभार, मैं ज्यादातर मैं टीवी। ये वाली आदत है। अच्छा होता है कि खाना खाने का जो 15-20 मिनट का वक्फा है उसमें आप टीवी टिकर्स। एक और आदत ना मेरे जैसी, आप जब ये मेरे साथ ही करते हैं तो मुझे अंदाजा होता है इकरार को कितना गुस्सा आता होगा। इकरार को भी नाराज होने से मैं कहती थी अच्छा सॉरी ना इकरार, चले छोड़े ना, अच्छा चले सॉरी ना छोड़े, तो इकरार मुझे कहते थे ऐसा ये ना किया करो, बस बात हो गई ना खत्म। अब जब पहलाज ही करता है ना तो आपने क्या कहा सॉरी, आपने चलो ठीक हो, अब आप जो नहीं देखे हम नाराज तो नहीं है, लेकिन इतना इरिटेट। अब जब पहलाज ये कहते हैं माँ प्लीज ना, आपको मेरी कस्टमर है, प्लीज मामा सॉरी ना, तो मैं कहती अच्छा माफ कर दो। अच्छा इकरार आपको लगता है कोई ऐसी आदत जो पहलाज की आप जैसी है, खुद आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है कि ये मुज़फ़्फ़र शरीफ़ नफ़्स बच्चा है। आई मीन कभी इसने कोई अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानती हैं मॉर्निंग शोज में आके एक बच्चा कुछ चीज उठा रहा है, भाग रहा है, खून के नीचे चला गया, कभी कभार होता है चुटकी ज्यादा चुटकी गिरेगा, मतलब कभी इसने ऐसा नहीं किया कि हमें कुछ कहीं खुदा ना खास्ता शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। तो बल्कि आजकल तो वो चल भी रहा ना सोशल मीडिया पे, मैंने कहीं लिख दिया था बचपन में कि जी मैं बचपन में चौथी जमात में मैंने ये किताबें पढ़ी, तो लोगों ने बड़ी उस पर हैरत का इजहार किया, ये हो ही नहीं सकता चौथी जमात का बच्चा कैसे कर सकता है। तो आपको जो माहौल मिलता है आप उसमें उस जैसे बन जाते हैं। अब इसको ये माहौल मिला है टेलीविजन का, कैमरों का, ये आप लोगों जैसे लेकिन वो हमारे देखे हमारे पास ना मोबाइल था, हमारे पास ना घर पे टीवी था। आपने इसको पहलाज को बताया ये कि लाइक हमने कितनी मेहनत करके हमने कहाँ से लाइक शुरू किया और हम कहाँ तक पहुँचे? अभी मैंने इसको टर्की में बात समझाई, मैंने कहा देखो तुम जो कुछ लग्जरी जिंदगी की एंजॉय कर रहे हो ना तुम ये डिजर्व नहीं करते, ये बाबा डिजर्व करते हैं, बिकॉज बाबा ने एक गांव से और वहां के से अब तक का ये सफर तय किया है, तुम पर ये अल्लाह ताला बताया, आपने पहलाज को बताया, तुम पर ये अल्लाह ताला की रहमत है और इसको तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आपको और हम्बल होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके सारी चीजें हासिल करें। बिजनेस क्लास वाली सीट तो मैं डिजर्व करता हूं। हां बिल्कुल ठीक है, मेरे बाप ठीक है। अच्छा कभी कभार मेरे मियाँ भी मुझे यही कहते हैं कि हमने बच्चों को लग्जरीज दे दी, कहीं बच्चे खराब तो नहीं हो जाएंगे कहीं, क्योंकि हमने हमारी अम्मा अब्बा ने हमें पब्लिक बसेस में भी सफर कराया है कि एक स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे ये वो, तो इस तरह की कोई सोच आप सोचते हैं कि बच्चों को पालने के लिए? हम जाहिर है ये लोग तो सोने का नमचा लेके पैदा हुए हैं और हमने अपनी स्ट्रगल की। मैं सोचता हूँ आई विश ये रिक्शों में सफर करता, बिकॉज वो जो लर्निंग भी है ना निदा वो भी मजे की है। आप बसों में जब ट्रेवल करते हैं, आप जब पैदल फुटपाथों पे चलते हैं, आप जब वहाँ फुटपाथों से उठा के किताबें, तो वो मेरी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत यादें और बड़े अच्छे लम्हे, और आपने जिससे लोगों के बिहेवियर सीखे हैं, कौन कैसे सलूक करता है, पब्लिक डीलिंग कैसे की जाती है, कौन गुस्सा करता है आप पे, किसको कैसे हैंडल करना है, स्ट्रीट स्मार्ट एग्जैक्टली, गांव के लोगों के साथ भी हुक्का जो पी रहे हैं वहां बैठ के भी आपने बात करनी है, आपने जो थड़े पे बैठ के भी बात की हुई है, आपने बैठकों में भी बातें की हुई है, हर तरह के लोगों में औतार कह जाए, तो वो आई विश, अब लेकिन अब हो नहीं सकता वो वसीम तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जैसे हम बुरा हालात हो या अच्छे हो हम लोग कर जाएंगे सर्वाइव, क्योंकि हमने हर तरह के हालात देखे हैं। बच्चों के लिए क्या करेंगे, अल्लाह ना करे, जाहिर जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं बट स्टिल आपको बच्चे को उसके लिए तैयार करना, लेकिन मुश्किल क्या सोचते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा खुद ब खुद जो है वो सीखता रहता है, यानी कि हमारे अम्मा अब्बा ने और मुश्किल जिंदगी गुजारी होगी, उन्होंने जैसे मुश्किल गुजारी उससे ज्यादा मुश्किल उन्होंने हमें तो केव में ली, देखिए हमें उन्होंने हर तरह की सहूलियत अपने तौर पर तो दी ना जो वो दे सकते थे और अब हमने उसके मुताबिक सीखा। मुझे लगता है इनकी ट्रेनिंग ये है कि इनको हम एक पॉजिटिव के आपको जिंदगी में, और अगेन जो आप बात कर रहे थे कि जब ट्रेवल करते हैं वायरस की लर्निंग एक और तरह की लर्निंग है, फिर कॉन्फिडेंस, और शायद फ्यूचर में ज्यादा जरूरत इसी की है, बाएतमाद बच्चे हो आपके, बिहेव करना हम्बल हो, काइंड हो, दर्द हो लोगों का दर्द, एग्जैक्टली वो ये ना हो कि मैं ये करूंगा और ये करूंगा तो माफ हो जाएंगे सारे मेरे गुनाह, इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, वो ना बिजनेस नहीं उनको सिखाना कि आपने इतना कर लिया तो आपको इतना सवाब मिलेगा, ये कर लोगे तो इसकी सारी
उनको भी बताना कि नहीं आप जो करोगे वो आपने जिंदगी में भी फेस करना है उसको फिर और आखिरत में भी फेस करना है. तो यू हैव टू बी नाइस विद एवरीवन. आपको हर एक के साथ अच्छा बस ये अगर आप बेसिक ट्रेनिंग कर जाए तो अल्लाह खैरियत रखेगा इंशाल्लाह. तुम यही सोचते रहते हैं यही ख्याल है. और दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आती है तो फिर वही कहते हैं ना कि जब इंसान डूबता है तो वो हाथ पाँव मार के खुद उससे निकलने का रास्ता भी तलाश करता है. तो अल्लाह ना करे कि कोई मुश्किल वक्त किसी के भी बच्चे के ऊपर किसी की भी औलाद के ऊपर आए. अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत. ये वाली बात सही. अच्छा और माँ बाप को जब मेहनत करते हुए औलाद देखती है तो वो अंदर जज्ब जैसे स्पंज पानी जज्ब करता है बच्चा भी जज्ब कर रहा होता है वो चीज. उसको पता होता है कि मैंने मेहनत करके ही काम. माँ बाप ने ऐसे ही माँ बाप कामयाब हुआ. अब तुम मेरे पास आओ इधर देखते तुम इस चीज में कितने कामयाब. जूता गिर गया. चलो बैठ के कर लेना है. हाँ फरमाइशी प्रोग्राम है. आप फरमाइशी करते हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे खाना है आज चलें रेस्टोरेंट खाने खाना चलें. लेकिन कल मैंने बर्गर खाया आज नहीं खाऊंगा. आज नहीं खाओगे. रोज नहीं रेस्टोरेंट जाना. रोज बाहर का खाना नहीं खाना है. अच्छा रोमन पढ़ ले तू जैसे ये. हाँ जी. यहाँ अभी पढ़ना नहीं. आपको करना क्या है ये एक्टिंग करके दिखाओ ताकि देखते हैं अम्मा पहले पहचानती हैं अब्बा की क्या कर रहे हो. कर सकते हो एक्टिंग ये वाली. मुँह से नहीं बोलना. समझ आई है या मैं कान में बताऊं? अच्छा सही. हाँ चलो भाई कर. हाँ हाँ करो एक्टिंग. शीशा क्या है? समझो ये शीशा है. ओके ये शीशा मेरा है. मेकअप कर रहा है पहला आज. शेव कर रहा है. ब्लश ऑन लगा रहा है. आईब्रो मेकअप कर रहा है. मेकअप कर रहा है. कौन कर रहा है ये तो बताएं. मामा मेकअप कर रही है. पहलाज तो नहीं कर सकता ना आई शैडो और ये. ओके जी सेकंड पहला पॉइंट डैडी के पास. अब्बा के अब्बा बाबा बाबा के पास बाबा. ओके नहीं समझ आया तो मैं बताऊं. आ गया. हाँ ओके. तस्बीह पढ़ रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं. मोबाइल यूज कर रहे हैं बाबा. दूसरा पॉइंट भी इकरार के पास. ये क्या था ये कैसे था ये क्या था. वो ऐसे कह रहे थे ना. अच्छा और डबल एसएमएस कह रहे होते ना. हां ये समझ आ रहा है कि मैं बताऊं. ऐसे रखना कि कैमरे में आपका फेस नजर आए प्रोफाइल ना. हां मामा ने खाना पकाया बाबा कहने कितना पूरा सिचुएशन ये बताओ ये क्या है. क्या क्लोज. नमक बहुत तेज है मामा ने खाना बनाया जो मिर्ची बहुत तेज है. पहलाज कह रहा है शायद. कुक ने खाना बनाया हम कह रहे नहीं अच्छा नहीं बना. कुक हो सकती है आप हो सकती है. एक्चुअली था बदमजा खाना. चाहे वो कोई भी है ना मसला ही है. हां सही है. मामा का पॉइंट. इससे मामा ने पहले बताया नहीं बताया मैंने. हां चलो शुक्र एक पॉइंट आ गया. ओके हां जोर से बोल सकते हो. बाबा गुस्सा कर रहे हैं जो कि नहीं करते. ऐसे तो नहीं करते आप गुस्सा. हां लेकिन वो सिचुएशन समझ गया मैं. अच्छा कैसे करते हैं गुस्सा. वैसे गुस्सा करते हैं मैं कभी तो करते हो मैं यार. अब इतना भी मस्का नहीं मारो अब्बू को. जिस तरह बस करके जिस तरह. अच्छा बस करें ना बस ये इस तरह से. हद बताओ. नहीं बाखो इससे ज्यादा तो नहीं करते. हां वाकई क्यों ऐसे कर रहे हो. इजी होगा मैक्सिमम कि यार तुम ही बताओ है ना भाई. यार बस ज्यादा से ज्यादा ही है यार. ये तो नहीं हो सकता. बस गुस्सा. हाँ जब बस यही गुस्सा होता है बस. क्या बस. हाँ बस मतलब जरा और जोर से कि बस कर दो कह दिया ना. बस जोर बता रहा बस. ड्रामों में लड़ाइयां कौन लोग करते हैं यार. हम तो करते हैं. देखिए मेरी बात सुने ना. इसमें जोर जोर से करते हैं. दूसरों को तो बहस करने का मिलना चाहिए ना. एग्जांपल देता हूं. अब आपने कह दिया बस मैं बात नहीं कर रहा तो फिर ये तो दूसरा बेचारा बैठा हुआ है. ये मतलब लाइक ये एडवेंचर है. ये एडवेंचर है लेकिन इसकी मुझे लॉजिक बताइए ना. आपने दो कपड़े दिखाए और आपने कहा कि जी इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है. मैंने कहा जी ये वाला अच्छा लग रहा है. अब उसे बात खत्म हो जानी चाहिए. तो ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा. तो इसमें क्या बुराई है. देखो आपने मुझसे मेरी राय पूछी. मैंने आपको बता दिया कि ये वाला अच्छा लग रहा है. अच्छा ये तो मेरा हक है ना कि मैं बताऊं कि नहीं है. ये वाला मौसम के मुताबिक है. अगर तुम पूछ ही रहे हो भाई क्या ये देखिए ये इस मौके पे जाने तो ये वाला जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा. भाई आपको पता तो नहीं है दूसरे के बारे में. ठीक हो गया. तो आप पूछे ही ना फिर जवाब भी लो कि ये मौसम के मुताबिक है. तो आप कह दे अच्छा हाँ ये अच्छा है यार ये पहन लो. इसमें ऐसा क्या है. ये तो कोई बात ये तो कोई बात नहीं. अच्छा नेक्स्ट
आपको खुद को समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आएगा किसी को भी. खाना खा रहे हो? खाए जा रहे, खाए जा रहे. बहुत ही पेटू. सर्व कर रहे हैं खाना, मेहमान आए हुए. शादी का खाना है? नहीं. सब साथ इकट्ठे खाना खा रहे हैं. वो बेचारा कभी अम्मा की जगह जा रहा है, कभी अब्बा की. सारे रोल प्ले कर रहा है वो. अच्छा, जो सर्व करने से अभी पॉइंट कितने जा रहे? 2-1. 2-1 जा रहे. ओके, नो प्रॉब्लम. हां ओके, अच्छी एफर्ट थी. हां, हमें समझ नहीं आई ना. आपको आवाज तो नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं, लेकिन मम्मी ने कहती. अच्छा, क्या था ये? ऐसा था, ये था कि अम्मी पहलाज को पढ़ाते हुए तो कह रहे मेरी मम्मा नहीं करती. मेरी टीचर आती है. टीचर आती है, लेकिन एक्टिंग करने का. पहलाज उर्दू तो मैं तुम्हें पढ़ाती हूं. उर्दू भी पढ़ाती है, लेकिन मिस को. तो फिर उर्दू ही पढ़वा लेते. दाया हो गया पॉइंट. अब जीत गए ना वो. उसको, उनको उर्दू नहीं आती. अच्छा, तो वो कुछ से कुछ इसको उर्दू पढ़ा देती है. उसको उर्दू में पढ़ाती. हां, और बाकी पढ़ाई इतनी मुश्किल है भाई, मुझसे भी नहीं पढ़ाई जाती. मैथ्स तो इतना मुश्किल है भाई. मैथ्स और अंग्रेजी पता नहीं क्या क्या. इसको आसान लगता है. हां, बहुत मुश्किल पढ़ाई है. बहुत इजी है मैथ्स. बहुत मुश्किल है भाई पढ़ाई आजकल की. हमें खुद पढ़ना पड़ता है. अच्छा, अब चलो आज के इंटरव्यू में मैं पूछूं, क्योंकि जब से मैं इंटरव्यू लेती आ रही हूँ आप लोगों से, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता जा रहा है कि बड़े होके मैं क्या बनूंगा. सबसे पहले सरेआम था. पहलाज बड़े होके सरेआम बनेगा. नीदा को याद नहीं है सारी. हाँ, अच्छा, फिर सेकंड पे क्या था? सिंगर बनने का. हाँ, अब तक क्या इरादा है आपका भाई साहब? अब क्रिकेटर? डायरेक्टर बनूंगा. चलती थी उसमें सारी. फिर ये जहांगीर खान साहब के साथ एक ट्रिप किया 7-8-10 दिन का था यूके में. तो वो अपनी सारी दास्तानें बताते थे कि कैसे उन्होंने 555 मैचेस एक ही रॉ में जीते. अच्छा, तो फिर मैं स्क्वाश चैंपियन बनूंगा. जब लाला के साथ हमारी दोस्ती हुई, शायद आफरीदी साहब के साथ, तो फिर उनके घर जाना वाना, तो फिर उसको था कि मैंने क्रिकेटर बनना. अब मैं क्रिकेटर पर कायम रहूंगा, मैं चेस दूंगा, और मैं एक दिन 400 का स्कोर करके वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा. अभी कौन है वाला? अभी इस वक्त तो हमें ब्रेक पे जाना है. अब अलग स्टाइल से ब्रेक लो ना, कि भाई मैंने बड़े होकर क्रिकेटर बन रहा है. तो तब तक आप देखते हैं. मैंने तो बड़े होकर क्रिकेटर बन रहा है, तो तब तक आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. पागल हो जाएंगे, लेकिन होस्ट चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो लोग थक जाएंगे. बुड्ढी होस्ट सोचे आप जवान होंगे तो मैं कैसी बूढ़ी होंगी. है कमल लटका के, हेलो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग. इकरार के पास खाली काले कपड़े हैं क्या वार्डरोब में? एक तो सस्ते पड़ते हैं. उसकी चार. इनका नाइट सूट भी काला है. जो पहना होता है उसी में सो जाते. हो सकता है ऑफिस में कोई ऐसा हो जो इकरार को थोड़ा पसंद नहीं करता. वो आके नहीं सुनो कोई है ऐसा. अगर ऐसा कुछ हो तो आज वहाँ पे वो खातून बैठी होती जिनके बारे में कोई बात होती. तोहफे देते हैं इकरार अम्मी को, बीवी को, बहन को तोहफे देते हैं? अल्लाह का शुक्र है, 2 दिन पहले दिया मैंने अभी परसों. 24 घंटे जिंदगी में और कुछ नहीं है प्रोग्राम. ये कभी नींद में बोलते हैं सरेआम सरेआम. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ये पता नहीं कहाँ से सवाल आते हैं, जब आप बातें कर रहे होते हैं तो एकदम निकलते चले. कुछ भी निकल. अभी मुझे इतनी हंसी आई वो सवाल सुन के. मैंने तुमसे सवाल किया अभी पिछले क्लिप जो चल रहा है कि कभी ये नींद में बोलते हैं सरेआम सरेआम सरेआम. बाकी क्या मैं अब नींद में नहीं बोलते. जवाब जवाब मुझे नहीं सुनाई दिया. जवाब क्या था? कुछ नहीं बोली थी, हंसी थी. जवाब नहीं सुनाई दिया क्लिप. नींद में नहीं बोलते. नींद में नहीं बोलते. यानी इनमें बोले कितना मजा आए ना आदमियों में. ये सब पता चल जाए, सारी बातें निकल जाए. अल्लाह ताला का आदमियों में ये एक डाल देता. कोई प्रॉब्लम नहीं. पराठे लेते हो? हाँ. अच्छा, तो अब ये अब मैं नेक्स्ट सवाल करूंगी जरा दूसरे लेवल पे.
भाई ये कितनी शक्की बीवी है क्या मोबाइल चेक करती है या अभी अब बस हो गई है अभी आज भी नहीं है पहले दिन से नहीं कभी नहीं नहीं शक्की नहीं मुझे तो मुझे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो शक्की होती जा रही है समझ नहीं आ रही एनी मुझे कुछ तरीका बताओ क्या करें शक दूर करने का फायदा नहीं है ना शक करके आप क्या करेंगे अपने कोई मैसेज पढ़ लेंगे तो खुद ही उस पे कूड़ेंगे या खुद ही वो करेंगे तो क्या फायदा जो है वैसे देखिए आपका घर चाहता है जिस लड़की से के साथ सुना उसके जाके गलत नहीं नहीं आपका घर ठीक चल रहा है आपका बच्चा ठीक चल रहा है आपको प्रॉपर इज्जत मिल रही है आपको आपकी तमाम जरूरियात पूरी हो रही है आपका टाइम जितना आपको मिलना चाहिए आप सुकून में रह रहे हैं मेरे ख्याल में फिर आपको ये छोटी छोटी चीजें जो है ना मैटर नहीं मैटर नहीं करती कि क्या कर रहे हैं यू नो कि आपके बंदे की क्या रूटीन है और वो कहां व्हेन यू नो एवरीथिंग तो फिर मेरे ख्याल फिर ज्यादा आसानी हो जाती है आज शोबिज वालों के ना आसपास वो अलग वो बात ठीक बात है आपका आपका प्रॉब्लम समझ में आने वाला इसलिए भी है कि ऑब्वियसली वो एक माहौल ऐसा है कि ग्लैमर बहुत ज्यादा है बहुत सारी खवातीन है बंदा ठीक भी हो तो भी यू नो गेट के लोगों को पता नहीं अभी कार की जिस खवातीन तो है नहीं सारे चोर ढूंढने पुलिस चोर ढूंढने बड़ी ड्राई जिंदगी वैसे किस्म के लोग ड्राई नहीं है मैं आपको आज पहली बार बात बता रहा हूं देखिए हमें ना बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहां मैं सोचता हूं कि यार यहां से कभी कोई यहाँ से कभी कोई वीडियो अगर आ गई सामने तो लोग कहेंगे यार ये देखो कितना किसी ऐसी जगह आप बैठे हैं जहाँ सारे लोग पार्टी कर रहे हैं जहाँ कुछ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें चाहते हुए ना चाहते हुए ऐसे ही लोगों से वास्ता रखना पड़ता है मुझे कोई भी नमाजी शख्स नहीं बताएगा कि वहाँ क्या दो नंबरी का धंधा हो रहा है मुझे वही दो नंबर आदमी बताएगा जो या तो उसका पार्ट था या उसका पार्ट है या उसका पार्ट रहा है मुझे स्मगलर ही बताएगा कि बाकी कौन कौन स्मगलिंग करते हैं अपना नहीं बताएगा वो तो फिर आपकी क्या उसे कैसे पकड़ते हैं मुझे जाली दवाएं बनाने वाला ही बताएगा कि उसके साथ साथ और कि वो चाहेगा कि बाकियों का दोस्ती करनी पड़ेगी आपको उनका हिस्सा बनना होता है तो मुझे कभी कभी लगता है यार लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कभी कुछ ऐसा कि यार इस बंदे के साथ या इस माहौल में या ऐसी जगह पे बट यू हैव टू बी विद देम जिस तरह की चोर चक्कों डाकुओं के बीच में रहना पड़ता है उन्हीं को पकड़ना है उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कभी भी इन्फॉर्मर जो है हमारा वो शरीफ आदमी कम ही होता है वो शरीफ आदमी बेचारे को तवज्जो नहीं वो अपना काम करेगा ऑफिस जाएगा नमाज पढ़ेगा बी बच्चों से टाइम गुजारेगा उससे क्या पड़ी है कि वो टो लेता फिर लोगों अच्छा तो कभी काम के दौरान आप होते तो ये फोन कर रही होती हैं या कुछ इस तरह होता है कभी कभी तंग नहीं हुआ फोन से अक्सर हस्बैंड बीवियों के फोन से तंग हुआ है अब जरूर इतना जरूर होने लग गया अब थोड़ा सा ना मुझे इकरार के काम इस किस्म के अगर इकरार बता के जाए तो वेल एंड गुड फिर मुझे नहीं होता लेकिन ये है कि अगर इकरार कह के अच्छा मैं दो घंटे में वापस आऊँ फिर तीन से चार घंटे हो जाए तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ कि मतलब कब तक वापस आना ये जरूर अब हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे काम करते हुए परेशानी हो मैं कहूँ ये क्या बार बार यार काम हो और इसमें अभी तक ऐसे ही है कि वही वाली इसके क्या पहनूं या कपड़े क्या पहनूं पूछती हो कि नहीं अब पूछना ही छोड़ दिया नहीं नहीं पूछती अभी तक आदतें हैं नहीं बदली हैं अच्छा पहलाज से भी अब पहलाज भी तो देता होगा ना एडवाइस जो है वो बहुत कर देते हैं पहलाज ये पहन रहे हैं अभी मुझे कह रहे हैं ब्लू कलर के बाल करवा दें आपके बाल देख यकीन मानो ना ये जो एक आपको अर्ज होती है ना कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करे और अच्छी लग रही हो उससे ज्यादा पता क्या होती है मेरा बेटा जो है बलाज वो कहता है मम्मा आई कांट लिव विदाउट यू मम्मा यू स्मेल वेरी गुड मैंने कहा अल्लाह यही चीज होती है ना कि कोई परफ्यूम अच्छा लगा मैं कौन सी फ्रेग्रेंस कल एनी ने सोते हुए परफ्यूम लगाया ना तो मैंने कहा यार रात में सोते हुए कौन परफ्यूम लगाता है यार अच्छा अब जाहिर है माशाल्लाह शादी को 12 साल हो गए हम लोग 12 साल हो गए अम्मा की शादी को 8 साल हुए इस दुनिया में आए हुए आपको सोचो तो इन 12 सालों में आप दोनों की नेचर्स में क्या चेंज आया है मैं तो लगता है वैसे ही हूँ वाकई मुझे लगता है तुम थोड़ा कम बोलने लगी हो सच्ची में तुम थोड़ी जितनी चंचल लाइवली होती थी वो शायद एज के साथ बंदा मैच्योर होता है आपका मतलब आप जवान लगती है समझदारी आती है नहीं हाँ मैं तो देखो छिछोरी हूँ चाहे मैं 50 की हो जाऊँ ये बात है कि वो
वैसे ही बात नहीं नहीं ये बात बात तो सुने बात तो हम तो जानते हैं कि नहीं आपके बारे में अपने बारे में बता रहे हैं कि हाँ पहले की निस्बत जो है ना वो जरा तुम्हें थोड़ा ठहरा हुआ बात करना और बिल्कुल खैर चीजों पे गुस्सा कम होना चीजों को समझ जाना कि हाँ ये चीज रियलिटी को तस्लीम करना ये चीजें जो है वो अब ज्यादा हो गई जिंदगी जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना तो उसके साथ साथ जो है ना वो अब चीजें समझ बोर हो रहा है बेचारा कह रहे मेरे मम्मा से इंटरव्यू के लिए और इकरार आपने क्या चेंज आया मुझ में भी यानी मैं सोशल मीडिया की मिसाल देता हूँ ना कोई आपको गाली भी देता है ना तो बड़ा आसान होता है आप उसे आगे से गाली देते हैं क्या या वो किसी एक खास जमात का फॉलोअर है तो आप कहें तुम्हारे लीडर ने भी तो ये किया था तुम भी तो ये मैं कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वो जिंदगी से मैंने सीखा है कि मजा तब है कि जब आप खुद पे काबू रखें जब आप कहें कि अरे यार चलो कोई बात नहीं बेचारा उसकी तरबियत जो भी कुछ भी आप सोच के जब्त कर जाए तो ये पहले नहीं हो सकता था जवानी वो हमने वक्त के साथ साथ सीखा सही कह रहे हैं अब लगता है उस वक्त आग लग जाती थी हिम्मत कैसे हुई लेकिन आप जो है एक तो अल्लाह ताला ने आपको जब इज्जत से सरफराज किया हो जब लोग आपके लिए दुआएं करते हो फिर आप कहते हैं कि यार ये और आपके सारे सारे मतलब पूरी दुनिया आपको नहीं पसंद कर सकती कुछ होंगे जो होंगे मतलब उनको ही होगा हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचे मैं सोचता हूं कि हम मुझे दुनिया का कोई एक कामयाब आदमी दुनियावी एतबार से दीनी एतबार से वन सिंगल नेम कि जिसकी जिंदगी में उस पर कीचड़ नहीं उछाला गया उसको पत्थर नहीं मारे गए उस पर कूड़े नहीं फेंके गए उसको गालियां नहीं दी एक नाम कोई मुझे बता दे जो अपनी फील्ड में अपने उसमें जिंदगी में कामयाब था और उसको जो है वो नहीं बहुत लोग हैं बेटा नेगेटिविटी हमेशा रहती है और आपने उसको और सोशल मीडिया पे तो वो होती है जो बेचारे वो खुद एक्टर नहीं बन सके होते ना तो वो हमारे एक्टर्स की रेड लगा रहे होते हैं तहजीब के दायरे में हो तो हर चीज कोई मसला नहीं लेकिन आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आप फिर दायरे में मुझे थोड़ा सा होता है कि खवातीन के कपड़ों पे जो बोला जाता है ना एक्ट्रेसेस पे मुझे बहुत होता है कि यार मतलब लाइक किसी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए औरतों के लिए थोड़े से अल्फाज बेहतर है लोगों का अपना अपना सोचने का जाविया होता है पहलाज ने जब ड्रामा शुरू किया तो हमें बहुत ज्यादा ये बातें सुननी पड़ी कि बच्चे को अभी से कमाई पे लगा दिया बच्चे की यार देखो अब इसके ड्रामे पे मेरे मिलियंस लग गए हैं मेरी अपनी जेब से बिल्कुल इसकी टिकट दे रही है प्रोडक्शन माँ भी साथ जा रही है अब्बा भी साथ जा रहे हैं नानो भी साथ दादू भी साथ जा रही है एक बच्चे को अच्छा वो तो हमने खुद करना है अब वहाँ पे होटल का एक एक्स्ट्रा रूम फिर मिसाल टर्की की आप शूट की ले लें वहाँ गए एक गाड़ी 24 घंटे इनके साथ होती थी हम सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए पूरा सामान हीटर्स लेके आए इसकी गेम्स लेके आए पूरी ग्रोसरी हमने अपने उसमें जो ठीक है तो वो मेरे लाखों रुपए लग गए हैं इसका ड्रामा करवाने पे जिसका मतलब और लोगों का ये ख्याल है कि हम इससे जो है वो कमाई करवा रहे हैं हमारा था कि चले बच्चे इसको शौक है तो ये सीखे मतलब कि ये हॉबी है वो वहाँ पे म्यूजिक क्लास ले रहा है हसीम भाई जैसल तो ये सारे लोग हैं जो डायरेक्टर तो पता है लेकिन मतलब हसीम भाई क्यों कह रहे हैं उनका पूरा नाम है हसीम भाई कहते हैं ना बच्चा सीख रहा है ना कुछ नया बिहेवियर से लोगों से डील करना वो कैसे लोगों से डील करते हैं मेरे ख्याल में अब उसने प्रोग्राम किया सनम के साथ अब यार वैसे तो पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं मतलब मतलब उसे बहुत पैसे दे रहे हैं ऑलरेडी क्या करेंगे और कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम यार वैसे कभी पैसे नहीं तो वो हम अमेरिका चले गए उसके बाद और उसके बाद जो है वो लोगों के कमेंट्स आना शुरू है कि बच्चे से कमाई करवा अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं ना ये 99% लोग वो होते हैं जो माशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत प्यारे और अच्छे हो बिल्कुल हम भी बतौर इंसान ना वो एक उस पे जो 0.1% नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो हमें अटक जाते हैं अच्छा कभी कभी पता है हम हर्ट होते हैं ये हर्ट वाली बात है कि अभी से बच्चे की कमाई अब जैसे जो आप बता रहे हैं कभी कभी कुछ बातें ऐसे से मेरे बेटा जो है ग्रोइंग एज में है उस वक्त छोटी छोटी मूछें आती हैं रंग भी सारे खराब होता है इतने कोई बुरे बुरे कमेंट्स मेरे बेटे के लिए मेरा दिल दुख जाता है एक माँ हूँ क्या बंदर जैसी शक्ल है ना माँ पे गया ना बाप पे गया लड़के जब ग्रोइंग एज में होते हैं कैसे होता है इतना कभी हर्ट होता है ना कोई जाके दिल पे लगता है बिल्कुल सही लेकिन ये नहीं सोचते हैं लोग वो अपने माहौल अपने मुताबिक ही और फिर बाद मेरे बच्चा कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू होगा मैंने कहा बेटा तुम अपने अब्बू को देख लो उससे अच्छे हो तुम की अच्छी शिकार है बेटा वो उस एज में कैसा था मैं कैसी थी आप यासिर भाई की कोई पुरानी तस्वीर दिखा दे आया है तो पता है क्या फिर बच्चे का अपना दिल खराब हो रहा था तो ये नहीं सोचते लोग हमारे बच्चों की
साइकोलॉजी, अब जाहिर है ये थोड़ा बड़ा होगा ये भी पढ़ेगा कमेंट्स, तो वो डिस्टर्ब हो, लेकिन इसको हमने समझा दिया। मैं कभी से कमेंट्स पढ़ता, याद है उस दिन जब आप लाइव कर दी थी, मैं नीचे टैटू के साथ बैठ के फनी फनी कमेंट्स। अच्छा, जब मम्मा से कोई फरमाइश करनी होती है तो कैसे आप पटाते हैं उनको, और जब बाबा से फरमाइश करनी होती है तो उनको कैसे पटाते हैं, तरीका बताओ। मम्मा जी, आपको याद है उस दिन आपने मुझे टर्की में कहा था कि आप मुझे, मम्मा जी आपको याद है मैंने उस दिन आपको एयरपोर्ट पर कहा था कि आप मुझे टॉयलेट दें, आपने कहा था जब हम वापस पाकिस्तान आएंगे तो मैं एयरपोर्ट से या फिर कहीं और से ले दूँगी, कहा तो फिर मम्मा आज ले जाएगा। अच्छा, अगर मार लिया तो ठीक है वरना। और बाबा, कपड़े भी कुछ नहीं चेंज किए, शर्ट में थे, मतलब माँ बस बहुत जुल्म करती है। आप भी अच्छा है, आप भी अच्छी है, खुशबू तो आपकी वो देखो ना, परफ्यूम आपको लगवाता है। हाँ, और लिपस्टिक इसको मेरी तेज पसंद है, अब आप बताए मैं क्या करूँ, आपको तेज लिपस्टिक पसंद नहीं है, अभी के कौन सी कलर की पसंद है? डार्क रेड ओह माय गॉड, आपको लाइट लिपस्टिक पसंद है तो क्या करें फिर, जब डैडी घर पे ना हो तो लाइट डार्क लिपस्टिक। नहीं नहीं यही करते हैं, फादर एज अ डोंकी, फादर क्राई डोंकी पिंकी पोंकी। अच्छा एक, अच्छा चलो जब बड़े हो गए सारी, हम बड़े होने के, सुनो तुम शादी किसकी मर्जी से करोगे, अपनी मर्जी से, डैडी की या मामा की, किसकी मर्जी से करोगे शादी? देखें तीनों की। मतलब तीनों की मर्जी से तीन होंगी क्या? नहीं, तो एक ही, मतलब मैं, बाबा और मम्मा। अच्छा, सेलेक्ट कौन करेगा? सेलेक्ट देखिए, जिस तरह क्या कहते हैं, मम्मा को अच्छी लगे, ठीक है, मम्मा को कोई लड़की अच्छी लगी, अच्छा फिर मम्मा और बाबा को। अच्छा, मम्मा और बाबा, मुझे भी अच्छी लगी। अरे अच्छा, ये तो मैं आपको बता दूँ, अगर मैं कह दूंगा कि मम्मा अच्छी नहीं है ये, ये तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि शादी तो ये अपनी मर्जी से करे, ये तो पक्की बात है, वो अलग बात है, हम चुप करके कह देंगे हाँ बेटा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जब आप इतना इतराज, जब बच्चे को माशाल्लाह से आप बचपन से इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, दुनिया दिखा रहे हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज बता रहे हैं, और ये भी और ये रहेगा भी अलग, ये इसने अभी से एक अलग घर में रखूंगा। अच्छा चलो, आखिरी चीज हम एक कर रहे हैं, आपने बन जाना है जज, अब आप जज बन जाइए, चलो ठीक है, अब आपके मम्मा और आपके बाबा तक जज बन गया। अब आपने करनी है, कितने मिनट की तकरीर कर सकते हैं? 30 seconds की तकरीर दोनों को करनी है, अब्बा को, बाबा को, बलाज पहलाज के लिए, क्या नहीं ऐसी बात नहीं है, इमोशंस माँ के पास ज्यादा होते हैं जी, इमोशन से काम दिखाती है ना, क्या अपनी अपनी स्पीच में आप इमोशंस डाल। चलो जी, हमारे जज साहब रेडी करें, आपने बल्कि इकरार से पूछा था कि इकरार आप अपनी जिंदगी का कोई एक जो है वो खबर देना, मुझे आपका क्लिप देख रही थी प्रोग्राम की, तो इकरार ने बड़े मजे ऐसे आगे मेरे लिए ना कि कोई खबर दे, तो इकरार ने मुझे कहा कि ये मेरी जिंदगी की वाहिद अच्छी ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ इस तरह का मजे का, वो एक साड़ी वाला प्रोग्राम था, हाँ, उस पे किया था, साड़ी वाला नहीं था जिसमें ये गोरी, ये नहीं आया था ना, नहीं वो मैं साड़ी पहन के सिर्फ रेड कलर की, रेड कलर की साड़ी, बल्कि आया नहीं था दुनिया में, नहीं था, रख ले तब, नहीं नहीं यार दुनिया में आया था, तब पहले शो वही था दुनिया में आने वाला, फिर वो बात कर रहा है वैलेंटाइन वाला। चलिए जी, स्पीच कौन शुरू करेगा पहले, तकरीर पहलाज के ऊपर, क्या आप करें फिर मैं आपकी कॉपी कर दूंगी। बचपन में बहुत तकरीरें करती थी, भूल गई, लेकिन अब चलो थोड़ा 30 seconds थोड़ा सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जज साहब। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है पहलाज हसन, और पहलाज हसन दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, बाबा की सारी बातें मानता है, इसीलिए बाबा भी उसकी सारी बातें मानते हैं, और बहुत हम्बल है, और इसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब हो जाए सारी तारीफें सुन के। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मामा भी उससे बहुत प्यार करती हैं, माँ बाबा दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों की जान है। 30 seconds कंप्लीट, 22 seconds हुए, 22 हाँ, और 7 seconds बाद पहलाज को चाहिए कि पढ़ाई पे भी थोड़ी तवज्जो दे।
जो कि मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं absent हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कसूर है कि मेरे effort ही आए हैं। तुम्हें किसने कहा तुम अपने grades बताओ? मेरा बच्चा। अच्छा मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं अपने बच्चे से मेरा बच्चा कोई पोजीशन होल्डर हो स्कूल के अंदर। मैंने पांचवीं में बोर्ड टॉप किए, डिविजन्स टॉप किए, मैट्रिक में पोजीशन, और फिर खैर फिर थोड़ा नालायक हो गए। प्री मेडिकल माँ बाप पढ़ाना चाह रहे थे, मेरा स्पीच सोच रहा था। तो मुझे हमेशा ये है कि यानी मैंने 12-13 साल जो प्री मेडिकल पढ़ा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसका मुझे आज मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में निल और जीरो फायदा है। आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आपको आप कहाँ नहीं, तो मुझे अब याद भी नहीं है ना। मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी है, लेकिन मुझे मैं कहती थी मैंने फिजिक्स पढ़ी है, ये मैंने क्या किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो एजुकेशन काम में आती है। बट स्टिल मुझे मैंने वो सब्जेक्ट पढ़े हुए होते जो मैं पढ़ना चाहता था तो वो उनका आज और ज्यादा फायदा होता शायद। तो बस ये कि पढ़ाई वो करे जिसको वो एंजॉय ये है, सही लादा ना जाए आप पोजीशन ना आए। मैं तो कह रही हूँ मैं बच्चे पास हो जाए, दुआ करती पास हो जाए, हमारे हमें पासिंग मार्क्स लाते हैं, मतलब नहीं अच्छे नंबर होते हैं, कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ कोशिश छोड़ दो जी जी, तकरीर शुरू होती है। तकरीर पहलाज मेरी जिंदगी है, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी, मेरी ज़िंदगी का हर जज्बा, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा, मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर अच्छा वक्त पहलाज के साथ मंसूब है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह पहलाज के साथ इसका बचपन माशाल्लाह ये बड़ा होता जाए, लेकिन इसके बचपन की यादें मैं समेटती जा रही हूँ। इसकी छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास हैं, उनको मैं जमा करती जा रही हूँ। अल्लाह ताला इसको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, बहुत नेक बच्चा बनाए। लेकिन जितना वक्त मैं इसके साथ गुजारती हूँ, मेरे दिल के अंदर से और मतलब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको हर तरह से इंजॉय कर सकूँ, और हर एक एक लम्हा, हर एक एक वक्त जो मैं इसके साथ गुजार रही होती हूँ उसको मैं खुशियों से भर देना चाहती हूँ। और हर गम, हर चीज़ मेरे लिए सानवी हैसियत रखती है पहलाज के आगे। अगर कोई मुझे कहे कि आप अपनी ज़िंदगी को अहमियत देना चाहेंगी, इस ये आपको चाहिए या पहलाज चाहिए, तो मैं पहलाज का नाम लूँगी। और अल्लाह ताला मेरी खुशियाँ भी, मेरी ज़िंदगी भी इसको लगा दे, अल्लाह ताला इसको बस सब कुछ इसके लिए मेरा रुलाएगी क्या पता। हाँ भाई भाई, मैं नहीं पूछी तुमसे जज साहब, तुम्हारी अम्मा जीत चुकी है। तुम्हारी अम्मा ने मुझे रुला दिया यार। माँ तो माँ होती है। 1 point to बाबा, 1 point, 2 points to मामा, 1 point. ये जी एक छोटा सा ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इकरार और उनकी फैमिली के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आप बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू सुन रहे थे, देख रहे थे इकरार एंड फैमिली का। और अब हम एकदम ना जंप लगा के ब्यूटी की तरफ आ गए, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो तो फिर ब्यूटी की बात तो बनती है ना। इकरार तो चले गए कि मैं उनके सामने उनकी बीवी की तारीफ़ें ना करूँ, लेकिन मैं यहाँ एनी के सामने तारीफ़ें करूँगी। और एनी के साथ एक और ब्यूटीफुल लड़की है, इनका नाम है अस्मा उमर खान, मेरे शो पे भी आ चुकी हैं, आप ड्रामन में इनको देखते हैं। और अभी इस वक्त ये एक गोरा चिट्टा चेहरा लेकर आई हैं, क्योंकि वो है फेस फ्रेश की वजह से। यस बिल्कुल, हाँ जी। तो अस्मा क्या बताने वाली है आप लोगों को, क्योंकि लोग तो अजीब अजीब सी क्रीमें लगा के गोरे हो रहे होते हैं, उनको तो कोई सही क्रीम चाहिए ना। एग्जैक्टली, अटेस्टेड ये शाहीन कॉस्मेटिक्स ने इसीलिए निकाला ये फेस फ्रेश, इनकी क्रीम है, इनके सोप है, फेस वॉश आने वाला है। अच्छा। इन्होंने नई इंग्रेडिएंट्स डाली हैं अपने फॉर्मूला में। अच्छा। ताकि एटलीस्ट लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इससे कवर हो जाएंगी। गोरा तो है बिल्कुल, गोरी करने वाली क्रीम तो है, लेकिन क्योंकि आपको पता है जो भी हम मना भी करें, लेकिन क्रेज है लोगों को गोरा होने का, जो भी है कुछ भी कहेंगे अट्रैक्शन हो जाती है जिसका रंग गोरा है, रिश्ता जल्दी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं टैन भी ठीक है, लेकिन वाकई लोग अट्रैक्ट होते हैं गोरे से। तो वो तो हमारी गोरी को देखकर फिदा हो गए इकरार। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और चीजों को साथ लेके चले हैं, जिस तरह इन्होंने हाई एसपीएफ रखा है। अच्छा, यानी कि सूरज में अगर आप ये क्रीम लगा के जाएं तो आपको सूरज की किरणों से भी बचेंगे। बिल्कुल, इनकी आप ये पैकेजिंग पे इन्होंने ये भी अच्छा कर दिया कि अगर किसी को लेते हुए है कि क्या क्या चीजें इसमें होंगी, तो उन्होंने सब चीजें लिखी हुई है कि वाइटन करता है स्किन को, रेवराइट करता है। देखो अगर सर्दियों में कोई फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं ना, तो हमेशा खुश्क हो जाती है, अजीब और ड्राई हो जाता है फेस। अच्छा, इसका ये है क्योंकि मेरी तो बहुत सुपर ड्राई स्किन है, और मैं तो ऐसी बनी थी कि मैं हर्बल से हटती भी नहीं थी। अच्छा, जब इन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्ट्स भेजी, मैंने यूज किए, तो बहुत ज्यादा देर तक मॉइस्चराइज रहता है। अच्छा, और एक वो जो लेयर बन जाती है ना, बिल्कुल एक ऐसा जैसे बेस लगाया हुआ है। हाँ, वो नहीं, मर्ज हो जाती है स्किन। हाँ,
और अगर तीन चार चीजें हम यूज करते हैं मेकअप से पहले, सन ब्लॉक लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, तह जम जाती है ना, तेज फिर जाके हमारा फाउंडेशन आता है। तो अगर आप, मैं तो कितनी बार अपनी चीजें भूल जाती हूँ, तो एक मेरे पास होता है कि ये मैं लगाई एज ए बीबी क्रीम, एज ए प्राइमर, तो बहुत देर तक इसका मॉइस्चराइजर होता है, उसके ऊपर आप लगा लें फाउंडेशन। अच्छा तुमने क्या क्या बताया, इसका सोप है, इनका सोप भी है, ये इनका सोप है, सोप की भी इनकी बहुत ज्यादा ही डिफरेंट क्वालिटीज है, इन्होंने सोप में भी SPF डाला है। अच्छा, इनके सोप में भी SPF है इतनी ज्यादा, और इनका जो ड्राई हो जाता है ना, क्योंकि लोग आपको पता है हाथों के लिए ज्यादा लिक्विड यूज कर लेते हैं, लिक्विड हैंड वॉश, कि ड्राई रहे, अच्छी फ्रेग्रेंस हो। ये अटेस्टेड है, ये अटेस्टेड है ISO से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से, हलाल अटेस्टेड है ये हमारे बाहर के कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मैं बताती चलूं ये हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मॉइस्चराइज कितनी देर तक रखती है ये? 12 आवर्स तक, 12 घंटे तक ही वो होता है, बिल्कुल ये इसका खारिश होती है बाकी। और अगर जैसे होता है ना, हम लोग कुछ काट ले कभी, जो हाथ में जो स्मेल आ रही थी, लोग लिक्विड की तरफ ही जाते हैं, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस 12 घंटे तक या एटलीस्ट बहुत देर तक रहती है। और ये सारी स्किन टाइप के लिए, जैसे होता है ना आप, मुझे या एनी को, हम लोग को अभी होगा कि हमें स्किन टाइट हो, झुरियां वुरियां ना पड़े, क्योंकि वो भी अब बेचारी मैगजीन वगैरह निकाल रही है तो सोचती रहती होगी, हर वक्त लिखती रहती होगी। नहीं, ब्लेमिश कंट्रोल करता है इन्होंने, बहुत अच्छा किया कि पोर श्रिंक करता है ये, और जो डैमेज स्किन हो जाती है जैसे पैचेस पड़ जाते हैं, तो अगर ये आप लगाते रहेंगे तो आपको विद इन 2 weeks रिजल्ट दिखेगा कि ना वो पैचेस कवर हो रहे हैं, और जो है इसमें पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएगी, बच्चे होने के बाद ज्यादा हो जाते हैं, छाइयां पड़ जाती हैं। इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स में भी देखें, अल्फा एडिबिन इन्होंने लिखा हुआ है जो कि व्हाइटनिंग एजेंट होता है, इससे ये कि आपका वर्ण टोन करने में ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका गोरा रंग हो, आपका स्किन फ्लॉलेस हो और वर्ण टोन स्किन हो, और कितना लोग आते हैं कि ग्लोइंग हो अगर आपकी स्किन, ग्लो इफेक्ट आता है। अच्छा ग्लो इफेक्ट थोड़ा सा इंस्टेंट आपको दिख जाएगा, वो ऐसा नहीं है आप लगाते रहेंगे 2-3 हफ्ते वो दिख जाता है कि जो है ना इंस्टेंट खुद ही आपको लग रहा है, लग रहा वो ऑयली नहीं ग्लो वाला। बहुत सारी क्रीम्स हैं ऑयली ऑयली आप लगते हैं, नहीं तो मुंह पे क्या। अच्छा सुबह मुंह धोया ये क्रीम लगा, ये लगा लियो, एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अच्छा रात के, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर रखता है आपकी स्किन को, एज अ नाइट आप नाइट क्रीम भी यूज करें। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स के बदले मैं कहती हूँ कि अगर आप, ये तो इतना हैंडी है, ये मैं तो अभी अपनी यूट्यूब की हालत नहीं दिखा सकती, मेरे पर्स में हमेशा रहता है और यू यू करके भी निकली हुई है, तो ये कि हैंडी भी है, ये आप रख लें कहीं, मतलब के कहीं गए ड्राइनेस हो रही है लगा लिया, फेस पे लगा लिया, कहीं तैयार नहीं है तो जल्दी से फटी पड़ी सी स्किन हो रही है, इवन नहीं है, कहीं जा रहे थे कहीं और निकल गए, डिनर पे निकल गए, तो भाई ये जल्दी से लगा लिया तो ऐसे रेडी रेडी ग्लो आ गया। अच्छा ये मुझे बताओ एज कौन सी एज से शुरू करें, आजकल तो छोटी लड़कियों को होता है। नहीं एज ग्रुप तो मैं कहूंगी कि भाई बेबी स्किन पे तो ना यूज करें, जो बच्चे अंडर जो है ना 12 है, फिर जब लड़कियां तो आजकल आपको पता है 12 के बाद ही जरा सी टिश पिश हो गई है, तो ये कि हाँ 12 to 15 आप यूज करें, लेकिन बच्चों के लिए डेफिनेटली नहीं। लड़के यूज करें कि नहीं करें? लड़को लड़के बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लड़के बताते नहीं है, सब यूज करते हैं, हर कोई तो पहलाज जैसा नहीं पैदा होता ना। नहीं नहीं बिल्कुल, दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लड़के छुपा के करें, क्योंकि अगर लड़की लड़कों के अगर टेबल पे रखी हो ना वो फेयरनेस क्रीम तो वो रिकॉर्ड तो लड़के अपनी अलमारी में छुपा के रखे किसी कोट की जेब में। अच्छा नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ कि कैटेगराइज नहीं किया हुआ कि लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, क्योंकि एक्चुअली देखो खवातीन तो फिर भी ढक लेती है दुपट्टा वगैरह पहन के, फेस लड़के तो जो है वो बेचारे बाइक चलाना और जरूरत कितना धूप में रहते हैं, तो इन्होंने हाई एसपीएफ सबके लिए, बिल्कुल फेस वेयर सबके लिए और हाई एसपीएफ है, तो उन्होंने मेक श्योर किया है कि आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, वो एक प्रोटेक्शन लेयर दे देगी ताकि आप सन रेज से बचे रहें, बचे रहें, बचे रहें। तो इसमें आपको ना प्राइमर लगाना है मेकअप से पहले, ना सन ब्लॉक लगाना है, ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, सिंपल फेस फ्रेश लगाए और उसके ऊपर मेकअप करना है तो करें, वरना ऐसी ब्लश और बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत कितने की है देखिए, ये वाली आपको 75 की मिल जाएगी, दिस इज फॉर आई थिंक 145, बहुत 175, बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं। हम लोग कितने पैसे खर्च करते हैं ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, जब ऑल इन वन मिल रही है, मेरी तो चली रही है, तुम तो पूरा मेरी पिचका के निकाल रही है, मैं तो निकालती हूँ, मैं तो नहीं छोड़ती उसके अंदर, काट के भी निकालूंगी, मेरी चल रही है कब से, इसको वो गए 2 हफ्ते तो हो गए, अभी भी बहुत है भाई, आधी है अभी, और मैं तो लगा रही हूँ, महीना तो निकाल, विंटर्स है ना आजकल, आपको पता है कितने ड्राई मौसम हो रहा है, तो ये तो अच्छा खाली मुंह पे लगाएं, हाथ पे भी लगा लें, हाथ पे लगा लें, मुंह पे लगा लें, इधर उधर लगा के, अब नेक पे भी हो जाती है ड्राइनेस, तो लगा के सो इजी है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा जैसे एनी तो गोरी है ही ना, तो मैं एनी को गिफ्ट दे रही हूँ, तो ये मेंटेन रहेगी, इसका गोरापन मेंटेन रहेगा, है ना, स्मूथ रखती है स्किन को, वैसे ही लगाते हैं हर कोई मॉइस्चराइजर, तो ये तो ऑल इन वन है। अच्छा ये मिलेगी कहाँ से, कहाँ कौन ये हर रिटेल शॉप पे अवेलेबल है बहुत इजीली। अच्छा आप नीचे उतरेंगे आप बोलेंगे जी फेस फ्रेश चाहिए, तो और इसकी अच्छी बात ये है कि ऑथेंटिसिटी है, इसका फेक प्रोडक्ट नहीं आ रहा,
सो ये कि बायर्स कंफ्यूज ना हो, इसका फेक प्रोडक्ट नहीं है, इतनी महंगी भी नहीं है, इकोनॉमिकल महंगी भी नहीं है, अफोर्ड कर सकता है, और अटेस्टेड है ऑलमोस्ट सब जगह से, आईएसओ से हलाल अटेस्टेड है, तो और इन्होंने हर चीज, मुझे इनकी पैकेजिंग में अच्छी चीज लगी कि बहुत लोग याद होती है पढ़ के लेना, हाँ। तो इतनी डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको बाय करते हुए आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ, सब चीजें इन्होंने मेंशन की हुई है कि क्या क्या आपको हेल्प करेगा, हाँ। तो आप बाय करते हुए बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अच्छा सही है, ठीक चीज ले रहे हैं, बड़े रीजनेबल प्राइस में। थैंक यू सो मच अस्मा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया एनी, और पाई हमारे घर, बहुत शुक्रिया इकरार, खुदा इकरार में जा रही हूँ, खुदा इकरार पहलाज, बाय बाय टाटा। ओके okay, जी तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो चार चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ, इतनी अपनाइयत है इनके इनके घर में, और एनी जाहिर है मेरी कलीग रह चुकी है एआरवाई न्यूज़ में थी, इकरार से शायद मेरा इतना मिलना जुलना नहीं रहा, लेकिन एनी आते जाते हम लोग मिलते थे और मैं हमेशा इसको गले लगा रही होती थी, हमें और हम गॉसिप भी बात करते हैं, याद है तुम, अब शो के बात करेंगे, खुदा फेज, आपके लिए यहीं तक था, कोई मेरे उल्टा पुल्टा सवाल नहीं करना था, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे ना कल, खुदा फेज। Just.